सॉल्व फॉर्मेट में अवेलेबल है। अनसॉल्व फॉर्मेट आपके प्रैक्टिस के लिए आप ब्राइट ट्यूटी इंडिया का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टूडेंट फ्रेंडली और रिजल्ट ओरिएंटेड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आज ही ब्राइट ट्यूटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और पाएं कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किया गया कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल लर्निंग कोर्स। ब्राइट ट्यूटी पर विभिन्न बोर्ड्स के सिलेबस, टेक्स्ट बुक और बोर्ड द्वारा दिए गए एग्जामिनेशन गाइडलाइन पर आधारित क्लास 9th और 10th के कोर्सेज तीन मीडियम्स में अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज हिंदी भाषा में तथा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज इंग्लिश भाषा तथा इंग्लिश हिंदी मिक्स भाषा में अवेलेबल हैं। ब्राइट ट्यूटी पर मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ब्राइट ट्यूटी के कोर्स 3 स्टेप्स अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसमें लर्निंग, असेसमेंट और एग्जाम प्रिपरेशन शामिल है। लर्निंग में कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो आपको किसी भी टॉपिक को आसानी से समझने में मदद करता है। प्रत्येक वीडियो लेसन्स में हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ टेक्स्ट बुक में दिए गए एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को डिटेल से समझाया है। असेसमेंट में टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट MCQs के फॉर्मेट में दिया गया है, जिससे आप टॉपिक की समझ का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस असाइनमेंट्स भी अनसॉल्व फॉर्मेट और सॉल्व फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। अनसॉल्व फॉर्मेट आपके प्रैक्टिस के लिए और सॉल्व फॉर्मेट आपको ये बताने के लिए है कि सही उत्तर कैसे लिखें। असाइनमेंट में बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अनुसार प्रश्नों को शामिल किया गया है। टॉपिक वाइज असाइनमेंट के साथ साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक भी उत्तर सहित उपलब्ध है। एग्जाम प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर्स सभी अनसॉल्व्ड और सॉल्व फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। ब्राइट ट्यूटी के पैकेज 3 ऑप्शंस में अवेलेबल हैं: एनुअल पैकेज, ड्यूरेशन वाइज पैकेज और कस्टमाइज्ड पैकेज। एनुअल पैकेज में किसी भी सब्जेक्ट के पैकेज एक एकेडमिक ईयर के लिए ले सकते हैं। ड्यूरेशन वाइज पैकेज में किसी भी कोर्स को 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 1 वीक या 1 डे के लिए ले सकते हैं। कस्टमाइज पैकेज में आप अपने कोर्स को कस्टमाइज कर सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स ले सकते हैं। आज ही ब्राइट ट्यूटी पर साइन अप करें और आकर्षक डिस्काउंट पर अपने पसंद के कोर्स को प्राप्त करें। Offers are available only for limited time. Hello everyone, this is Monica Khurana, your English facilitator. Welcome to Bright Tutee. Hello everyone, yes, motivation is life. मैंने आपका reply किया था मैसेज का, आपके question का answer किया था, मेरी ID से है तो मैंने ही answer किया है वो। और आपने मुझे पूछा भी था कि मैम इज़ दिस योर आईडी, यस, आपके क्वेश्चन का आंसर करने वाली मैं ही थी। ब्राइट ट्यूटी से आता है तो हमारा टीम ब्राइट ट्यूटी का रिप्लाई है, और जब मैं आपके डाउट्स के आंसर कर रही हूँ तो वो मैं पर्सनली कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये बेटा, 10th वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ अभी जा सकते हैं, वो 4:30 पर आए हमारे पास। ये हमारा बोनस सेशन है ब्राइट ट्यूटी की तरफ से हमारे 12th के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू लॉन्च आर सेल्स इन 11th एंड 12th ऑल्सो बाय द नेक्स्ट ईयर। सो दिस इज स्पेशली फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली आपका लिटरेचर ए सेक्शन, बी सेक्शन हम सब कवर करने वाले हैं। सो गाइज, जो भी हमारे पास 10th के स्टूडेंट्स इस समय बैठे हैं, हेलो 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 एवरीवन, 12th के स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे साथ अभी कनेक्टेड रहें। और जो 10th के हैं प्लीज़, मैं उन्हें कहूँगी अपने सीनियर्स को जाके बोलें, उनके साथ शेयर करें ये चैनल और उनको बताएं कि यहाँ पर हम उनके साथ 12th का एग्ज़ाम जो कि 27 फरवरी को है CBSE बोर्ड का, उसकी एग्जाम्स की टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करने वाले हैं, और उसी लाइव सेशन के फॉर्म में जिस तरह से हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। डोंट गो एंड जस्ट सिट ओवर देयर, डू द जॉब। एंड आई अपील टू यू ऑल कि जाइए और उनके साथ शेयर करिए। जो 12th के हैं प्लीज़ यहाँ पर रह सकते हैं। कैन यू टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम 12th क्लास? एनीबडी, इज एनीबडी आउट देयर फॉर 12th क्लास? बिकॉज हमने ये जो चैप्टर, ये जो सेशन तैयार करना था वो यही करना था कि
एग्जैक्टली बच्चों की टिप्स एंड ट्रिक्स तैयार कर सकें, तो बेटर हमने ये डिसाइड किया कि लाइव कर देते हैं। अगर बच्चे उस समय सेशंस को सर्च कर रहे होंगे तो ज़रूर हमारे पास पहुंचेंगे, हैंड टू हैंड उनके डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। सो आई विल टेक ऑल द क्वेरीज। इज देयर एनीबडी फ्रॉम 12th क्लास? जो भी लोग हमको इस समय देख रहे हैं, प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि 12th क्लास के स्टूडेंट्स इसको जरूर देख सकें और अपने डाउट्स पूछ सकें। तो यस, मुमताज सबसे पहली स्टूडेंट, और वो कह रही हैं कि हाँ जी 12th, आर्यन सबसे पहले स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि 12th क्लास के स्टूडेंट है। अनन्या पावर 12th क्लास के स्टूडेंट है। यस विवेक, फ्लेमिंगो पढ़ा दो, थैंक यू सो मच। एटलीस्ट वी हैव 36 स्टूडेंट्स राइट नाउ। ओके, उनमें से अगर 20-30 भी हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स तो चलेगा। मोनिका मैम स्टूडेंट, ये कौन है? मोटिवेशन टू लाइव, अच्छा मोनिका मैम स्टूडेंट उसने टाइप कर दिया, मोटिवेशन आई थिंक आप 10th क्लास के हो। तो जरूर जल्दी से एक काम करो, हमारा 12th स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, बेल नोटिफिकेशन जो है उसको बेल आइकन को प्रेस करने के लिए। अब प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से 12th क्लास का स्टार्ट करते हैं। गाइज सबसे पहली चीज आप लोगों को बताऊं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स में जो फियर है वो ये है कि पैटर्न चेंज हो गया है, 80 मार्क्स की हमारी राइटिंग है, 20 मार्क्स का ASL हो गया है। लास्ट ईयर तक 100 मार्क्स का होता था, ASL तो हो गया होगा आपके स्कूल में, रहता है हमारा 80 मार्क्स का। तो उसमें से हमारा सेक्शन ए है 20 मार्क्स का, बी है 30 मार्क्स का, सी है 30 मार्क्स का। दिस इज लिटरेचर, इसको आज हम कवर करने वाले हैं। दो बुक्स हैं आपकी, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। ओके गाइज अभी रुक जाओ, टेक यू राज, ग्रामर हम करने वाले हैं। ऑब्वियसली हमारा 4:30 सेशन है गाइज, 10th आपके साथ 5 दिन से चल रही हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी बीच में। 4:30 ऑनवर्ड्स हमारा ग्रामर सेशन है, वो प्रॉमिस रहेगा। पर पहले आप मुझसे अपना प्रॉमिस पूरा करो, जाके 12th के स्टूडेंट्स को बोलकर आओ कि यहाँ पे सेशन चल रहा है और उनके साथ शेयर करो जल्दी से। ओके सो फ्लेमिंगो एंड विस्टास दो बुक्स हैं बेटा हमारी। फ्लेमिंगो हमारी मेन बुक है जिसके अंदर हमारा चैप्टर्स हैं, यानी कि प्रोज एंड पोएट्री है। पोएट्री मैं लास्ट में ज़रूर लूँगी क्योंकि तब तक मुझे लगता है कि शायद आप सब अपने अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लें और उनको बताएं कि हाँ यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स ली जा रही हैं, हमें सेशन के बारे में बताया जा रहा है कि आगे कैसा चलेगा। तो तब तक मैं वेट कर लेती हूँ, अभी प्रोज सेक्शन कवर कर लेती हूँ। अब अगर इसकी बात करें, ए और बी की बाद में करेंगे, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे 30 की, तो हमारे आ रहे हैं, मैं नीचे यहाँ पे लिखती हूँ, 30 मार्क्स की जो लिटरेचर है आपके दो RTCs हैं। अच्छा, जिन बच्चों को ये दिक्कत है कि RTCs क्या हैं, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, दैट मींस चैप्टर में से एक एक सब्ट आता है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है, ये दोनों बुक्स में से किसी भी चैप्टर में से भी आ सकता है, साथ में एक पोएम में से और एक चैप्टर में से भी आ सकता है और कंपल्सरी होता है दोनों, राइट? तो एक्सर्प्ट्स आपको 2 आएंगे, 1-1 मार्क ईच, यानी कि 4 × 2, दो एक्सर्प्ट्स हैं हमारे 8 मार्क्स के। उसके अलावा हमारे इंटरनल चॉइस के साथ क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 5 क्वेश्चन करने हैं आपको 2 मार्क्स के, और वो है हमारा 10 मार्क्स का। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आएगा 6 मार्क्स का, यानी कि 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको चॉइस मिलेगी और वो क्वेश्चन है आपके 6 मार्क्स के। ओके, वो भी 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो ये बन जाते हैं हमारे 12 मार्क्स, यानी कि 30। आज आई विल मेक श्योर इस 30 में से 20 मैं आपके फाइनल करा दूं, ताकि जो इस समय लाइव ना हो हमारे साथ वो भी बाद में अगर इस सेशन को देखें तो उनके डाउट्स पूरे हो सके। लेकिन जो बच्चे लाइव बैठे हैं 12th के, मिनी चौधरी 10th का 4:30 का हमारा फाइनल है बेटा, उस समय पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी वेट कर रहे हैं, उसको हम प्रीपोन नहीं कर सकते, उनके साथ किसी तरह का कोई टाइम का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर सकते। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12th एंड दिस इज़ वेरी नियर टू माई हार्ट, 12th सेक्शन और 12th क्लास, तो उनके साथ मैं ये डिस्कस करने जा रही हूँ। और प्लीज़ आप बाद में जो भी मिलें उनके लिए ये लाइव बना रह सके, तो जो बच्चे एग्जिस्टिंग हैं वो ज़रूर अपने अपने क्वेश्चंस मेरे से शेयर कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं चैप्टर बताऊँगी, उसके इंपॉर्टेंट बताऊँगी, फिर आपसे डाउट पूछूँगी। अगर आप में से 12th का कोई है तो आप मुझसे उन डाउट्स को पूछो, फिर हम आगे प्रोसीड करते रहेंगे। तो गाइज डिनोमिनेशन क्लियर है आपको कि किस किस तरह से होगा, येस और नो? उत्सव क्लास 12th, ओके, यस और नो? यस नो? हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेसन सबसे पहला आपका चैप्टर आता है, आयरनी है, फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन है। इसके अंदर हमारे दो कैरेक्टर हैं, फ्रेंड्स हैं और मिस्टर
हैमिल हैं। एम हैमिल लिखा गया है, फ्रांस के वो पर्सन है, तो मॉन्जियोर के लिए होता है, लेकिन हम एम हैमिल, कई लोग मिस्टर एम हैमिल बोलते हैं, वो नहीं बोलना है, एम हैमिल है। यहाँ पर इस बच्चे के जो बिहेवियर में चेंज आया है स्टडीज को लेकर, टीचर को लेकर, उसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ये डिस्कस किया गया है, ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क एंड ही इज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग्स। ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग्स मीनिंग फियर ऑफ स्कोल्डिंग्स है उसका, कि भाई चैप्टर तैयार नहीं किया तो एम हैमिल से डांट पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि व्हाई ही वाज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। तो ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर आता है। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहाँ पे। रिलक्टेंट टू गो था तो वो क्वेश्चन हमारा बनता है कि क्यों रिलक्टेंट था, ऑब्वियसली काम नहीं किया था, नॉट डन हिज होमवर्क एंड इन ग्रेट ड्रेड ऑफ फियर। उसके अलावा कुछ टेम्पटेशंस थी, वो क्या थी, वार्म वेदर, बर्ड चर्पिंग एट द एज एंड सो ऑन। ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आंसर मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर काफी बच्चों को पता है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको डाउट रहे किसी में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल पर्सनली आंसर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन जो जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, मैं उन स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। पेज नंबर 2 पे लास्ट पैराग्राफ, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, दैट मीन्स बुलेटिन बोर्ड का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आया है। दो क्वेश्चन आते हैं बुलेटिन बोर्ड से रिलेटेड, शॉर्ट मार्क, 2 मार्क्स के। एक होता है कि बुलेटिन बोर्ड सोर्स किस चीज का था, एक होता है उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या था। तो सोर्स जो है ये बैड न्यूज बैटल्स, कमांडिंग ऑफिसर्स के ड्राफ्ट एंड ऑल, इन सब का था। और उस दिन क्या था, इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे मिलता है, दैट वॉज ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। ओके, दैट लास्ट लेसन फ्रेंच वुड बी टॉट ओनली फॉर दैट डे। ठीक है, तो ये वो ऑर्डर था। एक स्टेटमेंट आती है पेज नंबर 3 पर आपकी, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इफ देयर एनीबडी फ्रॉम 12th क्लास प्लीज आंसर मी, हु सेड टू हुम, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। हेलो रोहित भट्ट, हेलो नंदन, दिस इज मोनिका मैम लाइव ऑन ब्राइट ड्यूटी चैनल, this time for class 12th English. So guys, stay connected with us. If you are from class 10th, come at 4:30 for grammar classes. But abhi agar aap jayenge to please share aur subscribe karwayein apne seniors ko 12th class ke liye. Haan ji, hai koi 12th ka jo mujhe is cheez ka answer dega yahan par? Don't go so fast bab, you will get to your school in plenty of time. Is there anybody who can answer this question? Villagers? No. Sonika? Hi Sonika. It was said to France. Okay, Riya Verma keh rahi hai ki France se kaha gaya. Who said to whom? I asked who said to whom. Aapko agar yahan par question milega. Yes, Aryan Dahiya. Blacksmith watcher. Right. Blacksmith watcher said to, obviously, to France. So, आपका जो आंसर है बेटा हाफ नहीं लिखना है। वन मार्क का क्वेश्चन जो भी है वो आप वर्ड्स में लिखेंगे, वो कभी भी हाफ यानी कि एक वन वर्ड या आधा फ्रेज में आप आंसर लिखकर नहीं आएंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यस, ये जो बात कही थी ब्लैकस्मिथ वॉचर ने, और उसी समय ये उसने कहा था फ्रांस को, वॉज ही रियली मेंट द स्टेटमेंट और ही वॉज पासिंग द कॉमेंट। पार्थ खन्ना, 10th का हम लोग ऑलरेडी 4 सेशन कर चुके हैं बेटा, और आज हमारा 10th के साथ सेशन है 4:30 पे, आप प्लीज वहां आइए। यस एच जी बे स्टार, दिस सेशन इज फॉर 12th। आप देख रहे होंगे यहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि ये सेशन 12th क्लास का सेशन है। मुमताज ब्लैकस्मिथ, आंसर हो गया, टेल मी क्या उस स्टेटमेंट को रियली वो मीन करता था या वो एक सार्कास्टिक कॉमेंट था। नीट एस्पिरेंट, ओके, नो क्लास 10th, प्लीज 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 लीव, टेल योर सीनियर्स गो एंड कम टू वॉच दिस। ओके, मोस्टली 10th, नो प्रॉब्लम, बिकॉज 9-10 प्लेटफॉर्म है बेटा, तो ऑब्वियसली हमको 10th स्टूडेंट मिलेगा यहाँ 10th में, तो हमको यहाँ पर अभी तक 500 से ज़्यादा की वॉचिंग मिल चुकी होती। बट येस आर्यन, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर। येस पार्थ, बाद में मिलते हैं, प्लीज जाने से पहले किसी 12th के स्टूडेंट को बोलो कि अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ आ सकते हैं वो। 10th की टाइमिंग 4:30 की है, ग्रामर करेंगे। यस रिया, सार्कास्टिक कमेंट, नो दिस इज रॉन्ग आंसर। आर इन द ईयर राइट आंसर, यस ही रियली मेंट इट, ही रियली मेंट इट। एडु मंत्रा, ही रियली मेंट इट। बेसिकली उसका प्रॉब्लम क्या था कि एग्जैक्टली उसको यहाँ पर
कुछ भी इशू नहीं था. ही रियली मेंट इट. जो ब्लैकस्मिथ था उसने रीड कर लिया था ऑर्डर्स, लेकिन अभी तक जो हमारा मेन कैरेक्टर है फ्रांस, उसने उस ऑर्डर को रीड नहीं किया था एंड ही वॉज ऑलरेडी लेट, सो ही वॉज रनिंग. ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको किसी ने रोका एंड हाउ डिड दैट पर्सन टुक, हाउ डिड दैट पर्सन टेक द कमेंट, यानी कि फ्रांस ने कमेंट को कैसे लिया. फ्रांस ने कमेंट को कैसे लिया, सार्कास्टिक और रियल. नंदन, 10th टाइमिंग 4:30. ओके, सो यहां पर अगर हम देखें तो जो इन्होंने फ्रांस ने जो पर्टिकुलरली लेवल पे देखा जाए तो फ्रांस ने इस कमेंट को बहुत ही ज्यादा, जिसको आप बोलोगे कि सार्कास्टिक वे में इसको अडैप्ट किया. ही थॉट दैट ही वॉज ऑलरेडी लेट एंड ही वॉज मेकिंग, ब्लैकस्मिथ वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम. सो उसके बाद बात आ जाती है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है स्कूल का दो एनवायरमेंट. आपको पेज नंबर 3 पे सेकेंड पैराग्राफ में दो एनवायरमेंट दिए गए, एक यूजुअल एटमोसफेयर स्कूल का कैसा होता है और अनयूजुअल एटमोसफेयर कैसा होता है. वहाँ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग क्वेश्चन में हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या इस पर्टिकुलर सेगमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है. तो अनयूजुअल जो है उसमें आपका ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, काम लाइक संडे मॉर्निंग. और जो यूजुअल है उसके अंदर आपका आ जाता है लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क एंड अदर थिंग्स. सो दैट पर्सन इज, दैट पर्टिकुलर पोर्शन रिप्रेजेंट नॉर्मल एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल. ओके, और जिस दिन ये लास्ट डे था फ्रेंच का, उस दिन जो रिक्वायरमेंट थी, उस दिन जो एक यू नो एम्बियंस था वहाँ का, उस दिन जो एक एनवायरमेंट था वो काम लाइक संडे मॉर्निंग. उसके बाद आप चेंजेस लिखोगे और वो चेंजेस सारे बच्चे सही लिख देते हैं, लेकिन एक चेंज को मेंशन करना भूल जाते हैं, एमएमएल की ड्रेस को. तो वो जो थे उस दिन अपने उस पर्टिकुलर क्लोथ्स में थे विच ही यूजुअली वियर्स ऑन लाइक इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. ओके, सो ये आपका अनयूजुअल वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और ये पूछा भी जाता है. अगर आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो पेज नंबर 3 पर सेकंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन है, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. सो ये किसने कहा था, आरटीसी में आपको आ सकता है. ऑब्वियसली जो फ्रांस है हमारा मेन कैरेक्टर वो खुद से कह रहा है यहाँ पर. हाउ आई ब्लश्ड का मीनिंग यहाँ पर ये है, obviously he felt humiliated in front of the class just because M. Hamel can scold him at any point of time. How frightened he was, that means he was in a great dread of scolding. अब क्या होगा, आप सबके सामने और क्या कहने वाला है, right? उसके बाद जो हमारा important question आ जाता है, what a thunderclap these words were to me. तो thunderclap किसको कहा गया, announcement को, that day would be going to be the last day for the French language in that school. Okay? और अब आता है आपका important question कि जैसे ही वो order उसने सुना है, जो कि thunder clap उसको feel हुआ है, उसका reaction क्या था? ये भी long question है आपका. अगर उसको देखा जाए कि immediate reaction क्या था, तो immediate reaction था कहीं ना कहीं yes, Jan Hack, हम लोग article की भी बात करेंगे, कल करेंगे, बिल्कुल करेंगे. अभी chapters हम कर रहे हैं, Flamingo करने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुन सकते हो. जब तक मैं chapter explain करूँगी मेरा ध्यान थोड़ा comments पे कम रहता है. और जब मैं आपसे कहूँ अगर 12th के यहाँ पर कोई हैं तो प्लीज़ हमसे अपने doubts पूछ सकते हैं, तब आप पूछना, अदरवाइज़ अभी मैं आपको chapter explain कर रही हूँ, ठीक है. तो उस समय में आपको ये जो question पूछा जा सकता है वो ये है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या था. इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रांस का तो एक शॉकिंग इंसिडेंट था, थोड़ी देर के लिए ही वॉज जस्ट डम्पस्ट्रक, उसको थंडर क्लैप सुनाई दे रहे हैं, दैट मीन्स थंडरिंग साउंड. ओके, देन सेकेंड वॉज जो उसका रिएक्शन था, आपको पेज नंबर 4 लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा, फेल्ट सैड देन वेरी सॉरी फॉर नॉट टेकिंग हिज लेसन्स एंड हिज टीचर सीरियसली. और फिर यहाँ पर उसने अपने टीचर के लिए जो चेंज हुआ है, थोड़ी देर पहले जो एम हैमल उसको क्रैंकी दिखता था, बहुत ज़्यादा उसको यू नो एक उसके रूलर का फियर हुआ करता था, एक अजीब सा पर्सन था वो, स्ट्रिक्ट टीचर था वो, अब उसको कहीं ना कहीं भूल चुका है. ही एक्चुअली फॉरगॉट अबाउट द एम हैमल्स कैरेक्टर. एंड देन बुक्स के लिए उसका बिहेवियर क्या चेंज हुआ है, नाउ इट
सीम लाइक ओल्ड फ्रेंड्स. अब उसको वो ओल्ड फ्रेंड्स की तरह दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. जो पहले उसको हैवी टू कैरी लगती थी, न्यूसेंस लगती थी, इन सब चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हैं. देन पुअर मैन, इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोदिंग. तो उसको ये चीज़ समझ में आया कि पुअर मैन ने जो क्लोदिंग्स वियर की हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऑनर करना चाहते हैं अपने 40 ईयर्स के करियर को, और आज लास्ट डे है. दैट मीन्स ये उनका एक मेटाफोरिकल जेस्चर था जिसके थ्रू एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को समझाया है, वेदर गुड और बैड डेज यू शुड बी एबल टू एम्ब्रेस ऑल ऑफ द डेज इन योर लाइफ. और वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना है कि एवरी डे बिलोंग्स टू यू, वेदर गुड और बैड. सो आपको उसको कैरी करना है विद ग्रेस, राइट. और वो चीज़ आपको यहाँ पर पूछी जा सकती है एज अ क्वेश्चन. उसके बाद MML का लेसन स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले उन्होंने लेसन्स जो दिए हुए थे सबको वो सुनने शुरू किए. फ्रांस पहले ही मोमेंट पे अटक जाता है और उसको वो समझाते हैं कि ओके नो प्रॉब्लम, ऐसा सबके साथ होता है. वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन. आपसे ये RTC में भी पूछी जा सकती है. सिर्फ एक स्टेटमेंट देके आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन करो. उसमें आप सारा WH कवर करते हैं, हु सेड टू हूम, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारी स्टेटमेंट आपकी कवर होनी चाहिए, राइट. तो रिप्रोच का मीनिंग क्या है? टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ. कि आप जब भी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने आप को, वो सिर्फ इसलिए कि एग्जैक्टली हम किसी भी एलिमेंट में हो, वहाँ बिफोर पुटिंग ब्लेम ऑन टू अदर्स वी शुड ऑलवेज लुक एट आवर सेल्फ वेयर वी आर लैगिंग बिहाइंड. तो वो चीज़ हमको देखनी बहुत ज़रूरी रहती है, राइट. और वही चीज़ हम यहाँ पर आंसर करेंगे. तो ये उन्होंने कैसे प्रूव किया? सबसे पहले फ्रांस को कंसोल करके, और फिर उन्होंने कहा पेरेंट्स भी तुम्हें जब मनी उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्कूल पढ़ने ज़्यादा नहीं भेजते, ज़्यादा सीरियस नहीं लेते. और फिर उन्होंने अपने ऊपर भी ब्लेम लिया है कि मेरा भी मन जब ऑफ लेने का होता था या इंटरेस्टेड नहीं होता था तो किस तरह से वो स्कूल में चेंज कर देते थे एनवायरमेंट. कभी ऑफ डिक्लेयर कर देते थे तो कभी इनको गार्डनिंग के लिए भेज देते थे या वाटरिंग द प्लांट्स भेज देते थे, ठीक है. तो फर्स्ट उन्होंने लेसन लिया लास्ट डे पे, सारा लेसन रिकवर किए, फिर रिप्रोचमेंट हुई. थर्ड उन्होंने एनालाइज किया कि आज की सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है. ऑलसेस एंड लॉरेन टू सिटीज हैं जहाँ पर फ्रेंच कंटिन्यू नहीं की जाएगी. ये लोग ऑलसेस को बिलोंग करते हैं. कैसे पता चलता है? क्योंकि दो बार ऑलसेस का नाम है. दूसरा, जो बुक्स उन्होंने सर्कुलेट की थी उस पर फ्रांस ऑलसेस लिखा हुआ था ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के अंदर. तो यहाँ पर आप जो एलिमेंट दोगे वो यही दोगे कि ग्रेट ट्रबल विद ऑलसेस. अगेन पेज नंबर 5 सेकेंड पैराग्राफ, ऑलसेस के साथ सबसे बड़ा ट्रबल ही यही है, इट पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमॉरो, दैट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन. जब आप चीज़ों को डिले करना शुरू कर देते हो वो आपको लाइफ में बहुत पीछे ले जाते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आफ्टर दैट उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की ब्यूटिफिकेशन के बारे में बात करी है, मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट ब्यूटिफुल. देन उन्होंने राइटिंग के लेसन्स लिए हैं, लिसनिंग सेशन लिया है और सबको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी हैं. एक स्टेटमेंट आपको कन्फ्यूजिंग लगती है इसके अंदर, जब यहाँ पर वो बोलते हैं कि की टू देयर प्रिजन, लैंग्वेज इज की टू देयर प्रिजन. अब लैंग्वेज को मेटाफर की से डिनोट किया गया है. प्रिजन अगर प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ओनली व्हेन यू हैव लैंग्वेज देन ओनली यू कैन फाइंड द वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, राइट. सो सौरभ मिश्रा, अभी 12th चल रहा है बेटा, 12th का लेक्चर चल रहा है ये, अभी 10th का लेक्चर नहीं है. और यहाँ पर आप जो बात करेंगे वो यही कि विल दे की टू देयर प्रिजन, मीनिंग एज लॉन्ग एज वन होल्ड्स वन्स लैंग्वेज वन गेट्स द की टू प्रिजन. किसी भी तरह के एंट्रैपमेंट में अगर आप हो, किसी भी तरह के, चाहे वो किसी भी तरह का शॉविनिज्म हो, लिंग्विस्टिक, रेशियल और सुपीरियरिटी, रेशियल कम्युनिटी सुप्रीमेसी का, किसी भी तरह का एक शॉविनिज्म हो, एक लैंग्वेज अगर आप होल्ड करके रखते हो तो आप सब में यूनिटी रहेगी, जो कि सेम लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं लोग. और फिर ये की का काम करता है आपकी फ्रीडम के लिए. सो यहाँ पर ये वाली बात आ जाती है. और ग्रामर के बाद लेक्चर्स हैं. लास्ट तक उन्होंने लेसन लिया है यहाँ पर, जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को एक करेज शो किया है. वेन एवर समबडी इज़ ब्रोकन, इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू बी द शोल्डर ऑफ समवन एल्स. तो यहाँ पर MML ब्रोकन थे. क्यों? 40 ईयर्स की सर्विसेज के बाद ही कुड नेवर एवर थिंक कि उनकी लाइफ में ऐसा चांस आएगा जब उनको लाइफ को रीस्टार्ट करना पड़ेगा.
उन्होंने भी अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड लिया था, बच्चे तो फ्रेंच लैंग्वेज को फॉर ग्रांटेड ले ही रहे थे, विलेजर्स भी ले रहे थे. तभी आपने स्टार्टिंग में देखा मोस्ट शॉकिंग एलिमेंट क्या था फ्रांस के लिए, जब वो क्लास में एंटर होता है लास्ट बेंच, बैक बेंचेस भी फिल्ड अप थे. तो ये चीज़ आपको उसमें पूछी जा सकती है और आप वहाँ से आंसर कर सकते हैं. लास्ट में वो लेसन देते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड एंड यू मे गो. और यहाँ पे एक लाइन कई बार बच्चों को बहुत प्रॉब्लम वाली फील होती है, आई नेवर लुक हिम सो टॉल. इसका क्या मीनिंग है? यहाँ पर फ्रांस का जो बिहेवियर है ऑब्वियसली अपने टीचर की तरफ बहुत चेंज हो गया है. पहले वो अपने टीचर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये सब चीज़ें जो हुई दैट मेड हिम फॉरगेट अबाउट हिज क्रैंकीनेस एंड अदर थिंग्स. सो ही एक्चुअली डिड वॉट, ही एक्चुअली यू नो लिसन एवरीथिंग. यहाँ पे उसने एक लाइन भी दी है कि कभी एम हैमल ने इतने पेशेंटली समझाया नहीं, मैंने कभी इतनी पेशेंटली सुना नहीं. सो नेवर लुक हिम सो टॉल. यहाँ पर टॉल ये नहीं है कि एक ही दिन में ग्रीफ के चलते एम हैमल थोड़े बड़े हो गए. दो रीज़न हो सकते हैं. सबसे पहला मेटाफोरिकल तो ये है, रिस्पेक्ट बढ़ गई है टीचर की उनकी नज़रों में, कि कितना हमारा जो टीचर था वो कितना वैल्यूएबल, कितना एफिशिएंट और कितना यू नो नॉलेजेबल था. सो हमने जब तक वो हमारी लाइफ में था हमने उससे कुछ सीखा नहीं, राइट? मेटाफोरिकल एनिमल एलिमेंट है यहाँ पर. और जो लिटरेरी मीनिंग आता है वो ये, क्योंकि जब उसने कहा है आई नेवर लिसन्ड हिम केयरफुली, जब एक टीचर को आप पसंद नहीं करते, उसकी क्लास में नहीं होते, उसकी तरफ देखना तो दूर, आप उसकी शब्दों को भी नहीं सुनते हो, तो इतना गौर ही नहीं करते हो उनके ऊपर. सो वो एक लिटरेरी मीनिंग हो सकता है कहीं ना कहीं, ओके. बट इसका मेन मीनिंग यही है, रिस्पेक्ट फॉर हिम ग्रोन अप. ओके, दैट इज अबाउट दिस चैप्टर. सो इज देयर एनीवन फ्रॉम 12th क्लास? Is there anyone from 12th class right now? Yes, we need to ask it because this is 9th and 10th platform. On that platform, we are taking 12th class session. Hi, hi Ayush Kumar, Mumtaz. Where is the line? Which line, Mumtaz? Is there anyone from 12th class right now? If there is anyone, you can kindly ask your doubts. Otherwise, I would move to second chapter. शुभम रॉथ, ऑब्वियसली 10th के लिए हम 4:30 आने वाले हैं. 10th को प्लीज़ इसमें मिक्स मत करो. आप देखोगे आप हमारा स्केड्यूल तो हम 10th के लिए 4:30 आ रहे हैं. पूरे 3 hours, 2 hours, 3 hours जितने भी लगेंगे हम आपके साथ बैठेंगे वहाँ पे. अभी मुझे 12th पे फोकस करने दो. ओके आर्यन दैया, ओके निकिता, येस निकिता, इज देयर एनी डाउट? ओके आर्यन दैया, आई डी इज़ फॉर निकिता, राइट राइट राइट. Riya Verma is also from 12th. Mumtaz is also from 12th. Very good. So, 3 students we have. No doubt. You can move ahead. Okay, thank you. So, aage chalte hain. Agar aap kuch different strategy chah rahe hain, toh hum wahi kar sakte hain. If you want me to ask you RTCs, no problem. If you 3 are sitting over there, I don't have any problem. We can ask you, we can test your level also. Otherwise, we can proceed ahead. ओके देन पोएट्री हम आराम से डिस्कस करेंगे. तो लॉ स्प्रिंग में बेटा हमारा जो मेजर एलिमेंट है इन्फिनिटी, अभी आप जा सकते हो, 12th वालों को भेज सकते हो. 10th का टाइम 4:30 है. यस अश्वाक, क्या डाउट है पूछो. 12th के हो आप? मुमताज, आई नेवर सीन इन टॉल. ओके दिस लाइन इज ऑन पेज नंबर 8, थर्ड लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन. इंद्रेश पूछ रहे हैं कि सैल्यूटेशन पहले लिखेंगे या सब्जेक्ट? बेटा ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन पैटर्न के हिसाब से सब्जेक्ट पहले आता है, सैल्यूटेशन बाद में. जो भूल जाते हैं वो ईमेल का पैटर्न ध्यान में रख लो. यस इंद्रेश, बता दिया मैंने आपको. ओके सो आगे बढ़ते हैं बेटा. लॉ स्प्रिंग जो हमारा चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉन्ग क्वेश्चन. यहाँ आपको एक तो दोनों बच्चों का कंट्रास्ट पूछ लिया जाता है. एक मुकेश है आपके पास फिरोजाबाद से और एक साहिब आलम है, राइट, रैक पिकर. दोनों में क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या डिससिमिलैरिटी थी? सिमिलैरिटी आप जानते हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को वो बिलोंग करते हैं. दूसरी बात आप यहाँ पे ये जानते हो कि दोनों के दोनों पुअर हैं. थर्ड थिंग, वो रैक पिकिंग में मास्टर है तो ये बेंगल आर्ट में मास्टर है. फोर्थ थिंग, दोनों की दोनों बैकग्राउंड ही बहुत कंजर्वेटिव है, जो कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, दैट मीन्स टू कीप देयर बॉडी एंड सोल टुगेदर, दे जस्ट मूव इन वन डायरेक्शन ओनली, दे डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग एल्स. ओके लेकिन
डिफरेंस जो है वो ये है कि साहिब आलम बहुत जल्दी सरेंडर कर देता है, लेकिन मुकेश हमारा करेजियस निकला वो सरेंडर नहीं करता। बैंगल मेकर्स के ग्रुप में वो एक अकेला ऐसा है जिसने ड्रीम देखने का करेज दिखाया और उस ड्रीम के लिए रियलिटी वर्क किया कि यस, उसका फिरोजाबाद में उसको कार्स ज़्यादा दिखती हैं, प्लेन्स नहीं। दैट इज़ हाउ ही इज़ श्योर इनफ दैट ही वुड फुलफिल हिज ड्रीम एंड दैट्स इट। सो ये उनके बीच का डिफरेंस है। सेकंड, अगर सेपरेटली मैं बात करूँ तो 2 मार्क्स में सबसे पहला आपका लॉस्ट स्प्रिंग का टाइटल है कि कैसे सूट करता है। अगर हम स्प्रिंग सीजन हटा दें अर्थ पे से तो अर्थ का एग्जिस्टेंस आप जानते हो कि क्या हो जाएगा। सिमिलरली दैट स्प्रिंग सीजन इज मेटाफर फॉर द चाइल्डहुड। सो इफ द चाइल्डहुड इज लॉस्ट देन वी कैन सी दैट आर फुल लाइफ एज अ ह्यूमन बींग, आर होल कैरेक्टर वुड बी शैटर्ड, बिकॉज broken children are easy to mend or easy to repair, but you cannot repair broken adult. So यहाँ पर वो broken adult का part क्या है कि उनका जो base है, उनका जो childhood है, वही shatter हो गया, तो उससे हम आगे बढ़ने वाले कैसे हैं। तो lost spring का title appropriately suit करता है यहाँ पर stolen childhood के context में। Okay, उसके बाद हमारी बात आती है यहाँ पर Ennis Young के, उसमें यहाँ पर चप्पल वाला, यस एग्जैक्टली चप्पल वर्ड यूज़ हुआ है, स्लीपर्स यूज़ नहीं हुए हैं, फुटवेयर यूज़ नहीं हुए हैं, चप्पल वर्ड जो यूज़ हुआ है उसका जस्टिफिकेशन मांगा गया है। तो पेज नंबर 14 पे लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज वन एक्सप्लेनेशन। ये वो एक्सप्लेनेशन है जो Ennis Young को मिलती है लोगों से, बट इन्होंने जो फाइंड आउट किया है, शी वंडर्स This is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. कि जो लोग deep state of poverty में हैं, कहीं उसको छुपाने का एक reason तो नहीं है। Next आता है हमारा बेटे page number 15 पे ओडीपी की story आती है। ये 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है कि इसका reference क्या था। इसका reference सिर्फ इतना है कि इंडिया में सबसे पहला मैसेज कि इंडिया में जनरली लोग गॉड डिपेंडेंट हैं, ठीक है, गॉड लवर नहीं है। They actually fear from God. They develop fear from God. So, lover नहीं है, यानी कि God को love नहीं करते हैं या God का association feel नहीं करते, डरते डरते उनके लिए काम करते हैं। Second thing, basic से basic need के लिए God पे dependent है, तो वो shoe की demand कर रहा है। अब shoes मिल गए तो वो shoes मिस नहीं होने चाहिए, उसकी डिमांड कर रहा है। थर्ड थिंग, एयर ऑफ डेजोलेशन का क्या रूल है कि वो जो रिलीजियस प्लेस है वो अपने आप में एक ऐसे जोन में चला गया है जो खुद डिस्ट्रक्शन का कॉज क्रिएट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जो एयर ऑफ डेजोलेशन के चलते वो गॉड अपने रिलीजियस टेम्पल को मेंड नहीं कर रहे। साइलेंटली मैसेज देना चाहती है, गॉड इज इन एवरी पार्टिकल ऑफ दिस अर्थ, वाई टू क्लोज गॉड इन वन पर्टिकुलर प्लेस। सो जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि प्रीस्ट टाइप जो लोग हैं इनकी डिमांड्स पूरी हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर चैरिटी हो रही है लेकिन चिल्ड्रन लाइक रैग पिकर्स आर स्टिल मूविंग बेयरफुट। तो ये एक मैसेज है कि इंडिया में जो चैरिटी है इन द नेम ऑफ गॉड होती है, आयरॉनिकली गॉड को किसी चैरिटी की ज़रूरत नहीं है, इन द नेम ऑफ गॉड होती है, जो रियल नीडी वन है उनकी तरफ नहीं होती। तो ये मैसेज है ओडीपी की स्टोरी का। उसके बाद आपका आ जाता है फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। इसमें अगर वैल्यू बेस्ड आ जाए तो आज का CA और NRC सबसे हॉट टॉपिक है, उसके काफ़ी एलिमेंट आप इसमें दे सकते हैं। बांग्लादेश से आए हुए ये बच्चे हैं और ये यहाँ पर यही बता रहे हैं कि इनके लिए कुछ मैटर नहीं करता अगर इनके बच्चे खाना खा के सो जाते हैं और उनको नींद आ जाती है तसल्ली से, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि उनको आइडेंटिटी मिले या सिटीजनशिप का राइट मिले। तो ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया था बाय द Ennis Young और ये आंसर इन्होंने दिया था। एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमापुरी कैसे अ प्लेस ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यही बोलोगे सीमापुरी एज अ पार्ट ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली बींग द कैपिटल ऑफ इंडिया, एपिटोम ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम सीमापुरी में चले जाएँ जिस समय ये चैप्टर लिखा गया था, बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं हैं, राइट? सो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है, राइट? तो वो चीज़ें उसका आंसर आप यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आ जाता है गार्बेज, 2 डिफरेंट मीनिंग फॉर गार्बेज। बच्चों के लिए ये एक वंडर बैग का काम करता है, दैट मीन्स एक कॉइन निकला या कुछ और निकला, दे फाउंड मोर ईगर टू
they feel more eager to find something out of garbage. और बड़ों के लिए ये क्या है? है कोई अगर 12th का तो बताओ प्लीज. For elders, महिमो ग्रामर 4:30 पे एक्सप्लेन होगी बेटा. है कोई तो बताओ बड़ा जो एल्डर्स के लिए है ये गार्बेज क्या मीनिंग करता है? यस वो 3 स्टूडेंट्स कहाँ गए? मुमताज, ओके मुमताज, आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश, नो प्रॉब्लम. आई एम आस्किंग यू दैट गार्बेज हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स. टेल मी दैट टू डिफरेंट मीनिंग्स फॉर टू डिफरेंट पीपल. मयंक शर्मा प्लीज 10th क्लास क्वेश्चन इन 10th क्लास टाइम एट 10th क्लास टाइम. इंडिगो इज नॉट टू हार्ड सुनील. वेट वेट टिल वी रीच देयर. आई विल मेक यू श्योर दैट इंडिगो इज वेरी 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 इजी चैप्टर. यस प्रियांशु, हेलो हेलो एवरीवन. गाइज हुसो एवर इज एसोसिएटेड विद अस, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस. दिस इज मोनिका खुराना लाइव ऑन ब्राइट ट्यूटी प्लेटफॉर्म where every student really matters, and this is why we have brought 12th class series as a bonus session for all of you guys. Aaj aur kal do din rahenge aapke 12th ki series ke liye. Aaj hum flamingo cover kar rahe hain. So mujhe garbage ka answer nahi mila. Bado ke liye wo kya hai? That is actually means of survival, right? To choto ke liye wo kuch aur hai, lekin bado ke liye wo kuch aur hai, right? Yes, raj aisa meaning nahi pucha tha maine, ha. And then at the end of this particular anecdote जो आपकी साहिब आलम की ही थी, उसमें ये पता चलता है कि वो surrender कर देता है. He surrenders himself in front of the circumstances and he joined a shop, basically जहाँ पर tea shop है, tea stall है, जहाँ उसको 800 rupees per 800 rupees monthly सैलरी मिलती है और सारे उसको जो 3 मील्स है उसको वहाँ पर वो मिलते हैं, राइट. ये क्वेश्चन आपको आता है कि शी एक्चुअली सॉ द लॉस्ट केयर फ्री लुक इन हिज आइज. और यहाँ क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है व्हाई कैनिस्टर सीम्स टू हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो रैग बैग होता था उसका. तो उसका आंसर सिंपली इतना है कि कैनिस्टर जो बिलोंग करता है वो किसी अदर पर्सन को करता है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है जो रैग पिकर का बैग है वो उसको खुद को बिलोंग करता है, राइट. सो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, राइट. सो वो हमारा क्वेश्चन इधर कवर हो जाता है. एंड नाउ आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मुकेश, मुकेश के एनेक्डॉट में ऑब्वियसली आपको 2 क्वेश्चन शॉर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, जो कि आपको पेज नंबर 17 पे सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा. डिंजी सेल हैं और लाइट्स, वेरी डिम लाइट, स्लॉगिंग देयर डे लाइट आवर्स. ये ना क्वेश्चन आपको ऐसे आता है कि बैड इम्पैक्ट्स ऑफ वर्किंग इन बैंगल इंडस्ट्री. सो बहुत सारे बच्चे सिर्फ हेल्थ इफेक्ट्स लिखाते हैं उसके, लेकिन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एक फैक्टर है, इम्पैक्ट ऑन देयर पर्सनल लाइफ दूसरा दूसरा आप कहेंगे कि उसका इफेक्ट है. और उसका आप क्या कहेंगे कि लाइक एक बहुत ही प्रिमिवल स्टेट में दे पीपल आर अपब्रिंगिंग देयर चिल्ड्रन, जहाँ पर एनिमल्स और वो सब साथ साथ अपब्रिंग होते हैं. तीसरा आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि कल्चरली सोशली दे आर नॉट डेवलपिंग देयर लाइफ, ओके. और सोशली उनका जो स्टिग्मा है वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो वेब ऑफ पॉवर्टी बनती है. तो ये तीनों इम्पैक्ट उसके अंदर आएंगे, खाली आपका हेल्थ वाला पोर्शन उसमें नहीं आएगा, राइट. उसके बाद आ जाता है हमारा सविता, एक और बच्ची है इसके अंदर. यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं बेटा. एक स्टेटमेंट है इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, ये बोला था मुकेश की ग्रैंड मदर ने. और आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, ये बोला था सविता के ग्रैंड फादर या फादर. ये मेंशन नहीं है कि वो कौन है, लेकिन ओल्ड लेडी के हस्बैंड. तो ओल्ड लेडी को अगर हम ग्रैंड मदर या मदर मान लें तो उसके हिसाब से रिस्पेक्टिव रिलेशन बन सकता है. सो वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है पेज नंबर 19 पर, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव्स. ओके, दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट लाइन, 1, 2, 3 थर्ड पैराग्राफ. और देन मार्क इट, ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस.
राइट। एंड ये वाली लाइन इलीगल तक आपकी जरूर कवर होगी, और उसके बाद जो होगी कि वो स्पायरल में बात करते हैं, जो पॉवर्टी से स्टार्ट होती है, एपेथी पे खत्म होती है, फिर ग्रीड पे आती है, फिर इनजस्टिस पे। दैट मीन्स पॉवर्टी लीड्स टू हेल्पलेसनेस, लैक ऑफ इमोशन, देन ग्रीड, दैट आई वुड लाइक टू हैव एवरीथिंग वॉट एवर आई वॉन्ट टू, एंड देन टू इनजस्टिस, कि अब जो है वो इनजस्टिस हमारे साथ ही होगा। दैट मीन्स एक पर्सन जो पॉवर्टी से आया, पुअर पर्सन है, इफ ही और शी डजंट फाइंड एनी गुड एनवायरमेंट और एनी गुड मीन्स ऑफ वर्क और मीन्स ऑफ सर्वाइवल टू सपोर्ट हिज और हर फैमिली, दे कैन बी द विक्टिम ऑफ लाइफ, यू नो। सो वहाँ पर उनके साथ क्या होता है उस समय, इनजस्टिस इस सेंस में है कि सर्कमस्टांसिस के अंदर आके वो लोग अगर ट्रैप होते हैं तो अल्टीमेटली बियर भी उन्हीं को करना पड़ता है। तो ये हमारा बेटे सेकेंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेब ऑफ पॉवर्टी वाला क्वेश्चन इसी में आता है। टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, पेज नंबर 19, लास्ट पैराग्राफ, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साहूकार्स, बनियाज, पावरफुल पीपल एंड दोज हु आर बॉर्न इन द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, पॉवर्टी एंड अदर थिंग, ये आपको लास्ट पैराग्राफ पे मिल जाएगा। दैट इज अबाउट सेकेंड चैप्टर। यस सिमरन चावला, आर यू फ्रॉम 12th क्लास? लेटर में साइन करना होगा नेम के ऊपर, ऑब्वियसली येस, 10th हो या 12th हो, ये आंसर सही है। गुल ऑबरॉय, येस, गोल्ड फॉर चिल्ड्रन नॉट, वंडर बैग फॉर चिल्ड्रन, मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर एल्डर्स, राइट, गुड। सो 18 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग राइट नाउ, यू कैन टेल यूर फीडबैक्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक और डिसलाइक, एंड दोज हु आर एसोसिएटेड विद अस फ्रॉम अदर क्लासेस, I would request from them that please come at 4:30 for grammar classes, not now, this is for 12th class. Should I proceed to next chapter? Okay, now this is deep water. Deep water, very important question is strategy of the, you know, person. जो आपका जो सीधा सीधा बोलेंगे कि important question, Mumtaz, Mumtaz, from deep water are you asking? Yes, so deep water is basically, yes Sunil, 12th ki bahut kam bache hain because we have not promoted yet ourselves for 12th class. So you guys have the power to get more children here. I would like to appeal from all of you, agar aapko acha lag raha hai ye session to apne friends ko bataiye ki 12th ka session ho raha hai, because live would be better, jahan par ho sakta hai aapko doubt na ho, dusre ko ho, lekin wo jab क्वेश्चन पूछे तो मे बी यू ऑल्सो गेट टू नो द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट चैप्टर। येस मुमताज, मुमताज, डीप वाटर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट स्ट्रैटेजी, वॉट स्ट्रैटेजी ही मेड टू गेट आउट ऑफ द पूल, सेकेंड हाउ ही ओवरकम हिज फियर, थर्ड डीप मीनिंग ऑफ हिज फियर, दीज थ्री क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर। ओके, सो रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर वॉज लाइक अ रोल ऑफ कोच। There is a difference between teacher and a coach. A teacher can be coach. Coach shouldn't be a teacher. So coach का role ये होता है, instructor का role यहाँ पर जो एक right teacher माना जाता है वो ये होता है जो आपके level तक गिरे और उसको अपने level तक उठा कर लेकर आए। That is true role of a teacher. और obviously teacher को आता है सब, लेकिन अगर हम वो बच्चे से expect करना शुरू कर देंगे, यहाँ उसके अंदर fear of water है, अगर वो एक ऐसे person के पास जाता जो उसे जाते ही बोलता क्या है fear, कुछ भी तो नहीं होता, क्यों आए हो यहाँ, क्या करने आए हो, तो ऑब्वियसली वो उसको अप्रोच ही नहीं करता, राइट। मुमताज, आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बायलिंगुअल और हिंदी, आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज एट ऑल, बिकॉज हियर वी हैव टू कीप आर सेशन बायलिंगुअल ऑल्सो, राइट। अर्चना पांडे, क्लास 10 ग्रामर एट 4:30, ग्रामर में ER नहीं आता है, AR आता है, उसको करेक्ट करो, ठीक है। सो डीप वाटर में ये सारा आपको क्लियर है, जहां बच्चे सही आंसर नहीं करते वो मैं बता देती हूँ डीप मीनिंग। पेज नंबर 29, लास्ट पैराग्राफ है डीप वाटर, टाइटल आए अगर आपसे या उसका जो उसने लर्न किया वो आए, दोनों का आंसर सेम बैठेगा, डीप मीनिंग। ओके, फियर में एकदम से डाइव इनटू, देन ओवरकमिंग फ्रॉम दैट एंड लर्निंग फ्रॉम इट, that is very deep for him, that is title appropriate. So deep meaning for him, last paragraph, page number 29, that is those who have known stark terror and conquered it can appreciate, in death there is peace,
there is terror only in the fear of death, right? So what he has learned, the meaning of the statement made by Roosevelt, President Roosevelt, all we have to fear is fear itself. उसी से फेयर करना है आपको, किसी और से नहीं. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ, यानी कि आप ही कर देंगे. ही हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस. तो वो आपने लिखना है, द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी. तो वो जो विल है जीने की, वो बढ़ती है कहीं ना कहीं जब आप एक नियर डेथ एक्सपीरियंस देख लेते हो. और वो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑब्वियसली 6 मार्क में डीप वाटर से बहुत बड़ा एक चांस है आने का. लेकिन स्टिल मैं जो पिछले 20-25 ईयर से पैटर्न देख रही हूँ, और स्पेशली लास्ट 5 ईयर से जो पैटर्न देख रही हूँ इंग्लिश 12th एग्जाम्स का, उसके अंदर मैंने यही देखा है कि अब स्ट्रैटेजी ये है. जनरली बच्चे इंग्लिश को कंसीडर इतना नहीं करते हैं, तो जो आप बड़े हाई चैप्टर समझते हो ना, उसको छोड़ दो, बाकी में से दे दो. पेपर तो ईजी आता है, लेकिन आपने ईजी वाले चैप्टर छोड़ दिए और टफ वाले करके गए, उन्होंने टफ ही नहीं दिए. कई बार इजी नहीं दिए, दूसरे वाले आ गए, कई बार बैलेंस आ गया. तो वन कैन नॉट से ओके जस्ट डू इट. स्ट्रैटेजी इतनी हो सकती है, 8 चैप्टर्स हैं तो 7 कर लो, 6 पोएम्स हैं तो 5 कर लो, दूसरे बुक में से आप एक चैप्टर छोड़ सकते हो. तो इतने हिसाब से आपको चॉइस मिल जाएगी कि आप मैनेज कर लो. अदरवाइज मैं इसके अलावा और कुछ आपको नहीं कहूँगी, नहीं नहीं यही इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आना है. बिकॉज CBSE के अपने डिफरेंट नॉर्म्स हैं, वो टाइम टू टाइम पैटर्न चेंज करते रहते हैं ताकि स्टूडेंट का एक लेवल वॉच किया जा सके. राइट, ओके, थैंक यू अभिषेक. राइट, रैट ट्रैप, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. पूरा पढ़ने वाले नहीं है, सो जो भी 12th के हैं बोर होने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी. यहाँ पर 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि वाई रैट ट्रैप पेडलर साइन एज कैप्टन वॉन्सटेल. दूसरा आपका जो क्वेश्चन आता है कि एडला विलमेंसन का इनविटेशन एक्सेप्ट किया, आयरन मास्टर का क्यों नहीं किया, ये. तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा थर्ड बनता है, वो ये कि डिफरेंट प्रेडिकमेंट्स ऑफ ह्यूमंस, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद तो और भी बीच में है, वो श्योर आप कर लोगे. अगर आप में से कोई देखे, किसी को दिक्कत आए तो हमें पूछ सकते हो और कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. मैं मेन आपसे डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पे. सबसे पहली बात, ये जो लाइन है कि पेज नंबर 37 पे आप यहाँ से आंसर दोगे, व्हाई ही एक्सेप्टेड एडलास इनविटेशन नॉट आयरन मास्टर्स इनविटेशन. सो आप यहाँ पर ये लिखेंगे, बिकॉज शी हैड बेटर पावर ऑफ परस्यूएशंस देन आयरन मास्टर हिमसेल्फ. दिस वॉज द थॉट प्रोसेस ऑफ आयरन मास्टर ओनली. ठीक, तो ये लाइन ज़रूर आएगी पेज नंबर 37 से. कई बच्चे लिख देते हैं बिकॉज शी वॉज गर्ल एंड शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. नो, ये स्पेशली लिखा गया है, शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई. तो ये लाइन आप बिल्कुल नहीं लिखने वाले हो कि एक फेमिनाइन जेंडर के चलते उसने हाँ बोली. नहीं, एक लाइन ये आएगी. सेकेंड लाइन आपकी क्या आएगी पेज नंबर 38 पे, सेकेंड पैराग्राफ आपका, नो थर्ड पैराग्राफ, शी लुकड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आईज देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड एंड शी सेड ही माइट बी श्योर दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव देम जस्ट एज फ्रीली एज ही हैड कम एंड शी सेड दिस स्टेटमेंट इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट रैटर पेडलर फेल्ट दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस री इम्पोज्ड. ओके, सो उसने जो एक फ्रेंड, कभी कभी होता है कि मैं आपसे बोलूं, ओके आई एम देयर रिलैक्स, ओके, तो आप बोलो अच्छा ठीक है, हाँ आप हो संभाल लोगे. और अगर मान लो एज अ टीचर इट इज़ नॉट गुड इम्प्रेशन कि नहीं ये चीज़ आई नहीं, ये वो चीज़ आई नहीं, तो कई का रिएक्शन क्या हो सकता है, ओहो यही तो खतरा है कि आप हो. राइट, तो दोनों की टर्म्स में कुछ ना कुछ फर्क है. कई बार हमारे बोलने के स्टाइल से और हमारे एक ऑरा से पता चलता है कि हम जो कह रहे हैं, हाउ मच वी मीन टू, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. शी सेड इन सच अ फ्रेंडली मैनर, अगर आपने ये टर्म नहीं लिखी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. उसके बाद आ जाता है आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लास्ट पैराग्राफ, जिसमें वो बोला जाता है कि कैप्टन वॉन्सटेल साइन क्यों किया. ऑब्वियसली हिज गारंटी एज अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन फ्रॉम अ रैट पिकर और रैट ट्रैप पेडलर और अ थीव टू अ पर्सन लाइक कैप्टन हु हैज़ द डेडिकेशन कमिटमेंट एंड
पर्सनालिटी लेवल लाइक कैप्टन. सो वो आप यहाँ पे देख सकते हो. इधर लास्ट पैराग्राफ में उसने लिखा है बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट मिसेज एडला टू बी एम्बैरस एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ हु कुड गिव बैक द मनी. ओके, सो ये जो एक श्योरिटी थी वो एडला विल मेंशन को भी थी बिकॉज शी वॉज द ओनली वन हु हैड ट्रस्टेड हिम. और उसी को एक अश्योरेंस थी कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है, आप पूरी लाइफ इस चीज़ को लेकर श्योर रहो कि मैं आपके ट्रस्ट को गलत प्रूव नहीं होने दूंगा. और यही चीज़ आपको इसमें लिखनी है, राइट. एक आ जाता है कंटेंट क्या था. रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट. रैट कौन है? रैट ट्रैप पेडलर हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, राइट. सो ये आपका आंसर उसमें आ जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडिगो, जो यहाँ पर कोई पूछ रहे थे. रैट ट्रैप में किसी को कोई और डाउट है तो पूछ लो. बबलू कुमार, हाँ जी, 430 टेंथ क्लास. टेंथ का रोहित भट्ट, 430. इज देयर एनी अदर पर्सन हु इज हैविंग प्रॉब्लम? यहाँ कोई थे जो चाह रहे थे कि इंडिगो बहुत बोर है, वो कैसे किया जाएगा? ठीक है. सो इंडिगो में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है वो ये आ जाती है कि एज अ लीडर जो गांधी का रोल है वो क्या है. एज अ लीडर उसके बारे में बात हम कर सकते हैं. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका 6 मार्क का, वो आता है एज अ टर्निंग पॉइंट. तो टर्निंग पॉइंट में सबसे पहली चीज़ जो आप लिखने वाले हो वो ये लिखने वाले हो, जो पेज नंबर 54 पे जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, ही डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री. सो ये टर्निंग पॉइंट था जब एक एक सिटीजन ने ये सीखा था नो आउटसाइडर कैन रूल देम इन देयर ओन कंट्री. ठीक है निजना, नो इट इज नॉट टफ, जस्ट लिसन इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो आप इसको आंसर कैसे करोगे. उसके बाद आप यहाँ पर बताने वाले हो टर्निंग पॉइंट का सबसे पहला आंसर यही आएगा. मार्क कर लो बेशक, पेज नंबर 54 फर्स्ट पैराग्राफ, ही डिक्लेयर्ड दैट ही डिड अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग बट दैट मेड एन इम्पैक्ट दैट वॉज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ओके, वो चीज़ यहाँ पर आएगी. देन आप यहाँ पर लिखने वाले हो कि पेज नंबर 52 पे जो ये लाइन है आपकी सेकेंड पैराग्राफ की फोर्थ लास्ट लाइन, ऑन द एंट्रिटी ऑफ अनलेटर्ड पीजेंट वाली लाइन है यहाँ पर, ये लाइन को आप जरूर इंक्लूड करोगे. एंट्रिटी क्या होता है? रिक्वेस्ट. अनलेटर्ड क्या होता है? इलिटरेट. एक इलिटरेट पीजेंट के कहने पर गांधी केम टू चंपारण टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू द शेयर क्रॉपर. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही डिडंट नो एनीथिंग दैट इट वुड टुक अ फुल ईयर ऑफ हिज लाइफ, 7 मंथ्स कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर दैट फ्रीक्वेंट विजिट्स. ओके, सो यहाँ से फिर आप शुरू करोगे. फिर आप बताओगे सबसे पहले उन्होंने लेसन ऑफ यूनिटी दिया था. यूनिटी चाहे वो जो लॉयर्स ने सेल्फ अरेस्ट जेल अरेस्ट की बात की थी या फिर वो जो स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन में, तो करेज का लेसन आएगा. लेकिन लेसन ऑफ यूनिटी की बात हुई कि हम सब साथ मिलकर काम करेंगे, लेसन ऑफ यूनिटी दिया था उस सेक्शन के साथ. देन यू विल टॉक अबाउट लेसन ऑफ करेज. लेसन ऑफ करेज में आप जो मेंशन करोगे स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सो मैनी फार्मर्स, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, उस वाले इंसिडेंट की आप बात करोगे. थर्ड लेसन ऑफ करेज में आपका ये भी आएगा फ्रीडम फ्रॉम फियर, जहां दे स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस. ओके, देन लेसन ऑफ क्लीनलीनेस, लेसन ऑफ लीडरशिप. एक्चुअल लीडरशिप क्या होती है कि किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ लीड कर सकते हैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हुए, राइट. फिर लेसन ऑफ क्लीनलीनेस में आप वॉलंटियर्स का एग्जाम्पल दोगे, जो उन्होंने बाकी क्लीनलीनेस पे बात की थी. लास्ट में आप लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस की बात करेंगे, जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज के केस में हुआ था कि ये लोग सब चाहते थे कि वो इंग्लिश मैन है, चलो उसको अपने साथ रख लेते हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. तो गांधी ने कहा था कि आपको लगता है कि एक अनइक्वल फाइट में अच्छा होगा हमारा जीतना,
तो वो वाली सिचुएशन सेल्फ रिलायंट है. यू शुड नॉट कीप एंड्रयूज एज अ प्रॉप बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन. नो, इफ़ यू फाइंड हिम वर्दी ओनली देन कीप हिम. कई बार होते हैं कि हम किसी को एक प्रॉप के चलते अपने साथ यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको वर्दी मानते हो तभी आप उसको अपने साथ रखो, नहीं तो नहीं. सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होना, वो एक मैसेज उन्होंने दिया था. उसके बाद पेज नंबर 53 पे आप ये लाइन डालोगे, सेकेंड पैराग्राफ, गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन. और इसमें जो बताया गया ना कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो एब्स्ट्रैक्ट इन सबसे ऊपर थी. लास्ट लाइन फिर आ जाएगी आपकी 54 पेज पे, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर वर ऑल बाउंड टुगेदर. तो अगर आप यहाँ पर काफ़ी बच्चे होते तो मैं पूछती कि जो सिविल डिसोबिडियंस एक्ट था वो मेन था या कुछ और था. निजमा परवीन, नो इट इज़ नॉट दैट मच टफ. सुधांशु, इंटरव्यू हम कल करेंगे, इंटरव्यू विस्टाज में है आई थिंक, नहीं इसी में है. सो सारे चैप्टर्स करेंगे आज हम, पोएम भी करेंगे और यस इंटरव्यू अभी आने वाला है. तो आप इसमें ध्यान दो यहाँ पर कि अगर आपको कोई डाउट है आप वो मुझसे पूछ सकते हो. वो मुझसे पूछ सकते हो. अगर लाइव में ज़्यादा बच्चे रहेंगे सेम क्लास से तो आपके थोड़े डाउट्स अच्छे से निकल के आएंगे. अदरवाइज मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये बात करूँगी कि क्या इंपॉर्टेंट है और जनरली बच्चे कौन सा क्वेश्चन लिखने में गलती कर जाते हैं. मैं सिर्फ आपसे वही करने वाली हूँ क्योंकि दो दिन के अंदर हम कुछ नया नहीं कर सकते. आर्यन, सिविल डिसोबिडियंस जो एक्ट था एक्चुअल में एक्ट नहीं था, इट वॉज द आउटकम ऑफ द अटेम्प्ट टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू द शेयर क्रॉपर. सो जब भी आपको चंपारण केस आएगा आपने शुरू से लेके राजकुमार शुक्ला के आने से लेके एंड तक सारा बताना है. लेकिन जब भी आपको सिविल डिसोबिडियंस का केस आएगा तो आपने क्या बताना है, आपने मोतिहारी वाला केस बताना है. लेकिन ये ज़रूर लिखना है जो पेज नंबर 54 पे है, सेकेंड पैराग्राफ, चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस. इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स. तो वो तो गए थे पुअर पीजेंट्स के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए. अल्टीमेटली वहाँ से सिविल डिसोबिडियंस बना जो अपने टाइम का सेंट्रल इंडिया का सबसे बेस्ट विनिंग मूवमेंट था, जो विन किया, राइट right? वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. और पॉलिटिकल पैटर्न उनका जब भी पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली जो मैंने पीछे आपको बताया कि लार्ज पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था, प्लस ये वाली लाइन आपकी, हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, राइट. Should we proceed? Indigo, any other doubt? Okay, Gul पूछ रहे हैं extracts chapter में से भी आएंगे. Yes, आएंगे, बिल्कुल आएंगे. तो उसकी preparation कैसे करें, उसकी preparation आप line wise line तो पढ़ना ही पड़ेगा. Okay, ठीक है. अब आता है poets and pancakes. Poets and pancakes में छोटे छोटे question आते हैं, long question का थोड़ा chance कम होता है. लेकिन अगर long question वो पूछेंगे ही तो सुबह का कैरेक्टर स्केच, लॉयर का कैरेक्टर स्केच, ऑफिस बॉय का कैरेक्टर स्केच, या फिर मेन जो बॉस है उसका कैरेक्टर स्केच आ सकता है, या मॉरल रियामामेंट आर्मी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है बेटा, सो वो चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती हैं. अगर उसमें किसी में डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे डाउट भेज सकते हो, क्योंकि जनरली वो चीज़ क्लियर होती है बच्चों को कि अच्छा, निजमा कह रही है लेसन गांधी टीच, लेसन्स मैंने नाम लिए हैं बेटा, आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो. अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो फिर कमेंट करना, मैं फिर उसको स्पेसिफिकली उसी लेसन को आपको समझा दूंगी कि क्या गांधी ने टीच किया था. और ये पीयूष, 12th CBSE इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है, मेन बुक की पढ़ाई हो रही है. स्टीफन स्पेंडर्स विजिट टू जेमिनाई स्टूडियो आरएन, इसके अंदर ये मिस्टीरियस विजिट थी और इस विजिट को मिस्टीरियस कहा गया है. विवेक सिंह, क्लास 10th हमारी 4:30 पे है. और पीयूष राज, कम्युनिकेटिव नहीं है, ये लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, एनसीईआरटी का कोर्स. स्टेट बोर्ड नहीं है यहाँ पर, इस समय सीबीएसई की हम बात कर रहे हैं और वही वाला चैप्टर्स हम आपको करा रहे हैं. ठीक है, जस्ट स्टे विद अस, स्टार्ट शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो भी सीबीएसई में हैं, 12th में हैं. क्योंकि ये चैप्टर खत्म होते ही मैं आपसे पोएम्स डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है. इन शॉर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उसको. अदिति सिंह, नहीं मैंने तो बोला नहीं ये बात कि पेपर टफ आएगा, मैंने तो बोला नहीं है आपको ये चीज़, तो इसको तो डराना कहेंगे ही नहीं. पेपर क्यों टफ आएगा,
रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आता है बेटे, और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट ना, जब हम लोग छोटे थे तब एक लाइन आती थी, आपको तो वो बहुत सिंपल दे रहे हैं, वो पूरा पूरा पैराग्राफ उठा के दे रहे हैं, तो उससे तो समझ आ ही जाएगी आपको, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारे न्यू चैप्टर्स आएंगे राज परमार। हाँ असित्या, 10th क्लास 4:30, ओके लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सो पोएट्स एंड पैनकेक्स की अगर हम बात करें बेटे, इसके अंदर ना आपने पूछा था स्टीफन स्पेंडर की विजिट, तो स्टीफन स्पेंडर की जो विजिट है वो मिस्टीरियस क्यों थी? पहली बात, आने का पर्पस क्लियर नहीं है। सेकंड थिंग, उसका जो एक्सेंट था वो काफ़ी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। थर्ड थिंग, बहुत सारे लोगों को तो उसका नाम भी नहीं पता है, यहाँ तक कि बॉस को भी, सिर्फ नरेटर को पता है, अशोका मित्रन को, ओके, जो कि लेटर जाके क्लियर होता है। तो ये दैट इज़ वाई इट वॉज क्वाइट मिस्टीरियस। और न्यू नेम था, एडिटर बताया गया था, पोएट है, एडिटर है, क्या है, ये भी कन्फ्यूजन थी उसके पोस्ट को लेकर। सो दैट इज़ वाई इट वॉज मिस्टीरियस विजिट। ओके देन मेकअप रूम की हायरार्की आपको पूछी जा सकती है, उसको ज़रूर पढ़ लेना, पेज नंबर 58 में सेकेंड आपको जो पैराग्राफ है उसमें मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो हायरार्की की बात हो, चाहे वो एज अ स्पेसिमिन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन हो, उसके बारे में बात हो जाएगी। ओके एक लाइन आती है, सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, हु सेड टू होम, हु सेड टू होम, 21 आर वॉचिंग राइट नाउ, हेलो अंशु जाट, ओके 21 आर वॉचिंग राइट नाउ, आउट ऑफ देम हु सो एवर इज इन 12th क्लास प्लीज आंसर, मेकअप रूम इज ईजी, यस आर एन, आप मुझे ये बताओ जल्दी से, सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, हु सेड टू होम, हू सेड टू हूम, हेलो 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 सिंह जी सिंह, हेलो, हाँ नो बडी इज देयर फ्रॉम 12th क्लास, ओके सो आई टेल यू, ये अशोका मित्रान का डायलॉग था खुद से, कि हर समय प्रेयर चल रही है, वो अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को बता रहे हैं यहाँ पर। और बात यहाँ पर, ओके मोहम्मद थैंक यू, आप 12th क्लास में हम ये चैप्टर कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्राउड शूटिंग की प्रेयर्स क्यों रहती थी? क्योंकि क्राउड शूटिंग का जो टास्क था वो ऑफिस बॉय को करना पड़ता था, जब जब वो फ्री होता था वो अशोका मित्रान के केबिन में आ जाता था विदाउट परमिशन, एंड ही स्टार्टेड प्रीचिंग हिम, कैसे एक इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वेस्ट हो रहा है, राइट? ओके तो यही चीज़ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके अलावा बेटा मॉरल रियामामेंट आर्मी और ये सब सबको क्लियर ही है, हमारे जो बॉस के बारे में काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं होता, मिस्टर वासन थे, एडिटर थे आनंद विकेतन के, और काफ़ी बिग हैंड्स के पपेट्स का रोल करते थे, एंटी एमआरए एमआरए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, जो बिग इन्फ्लुएंशियल लोग उनको समझा देते थे वो वही करते थे। सुबू और ऑफिस बॉय में से किसको बेटर स्टार्ट मिली थी? सुबू को मिली थी बींग अ वर्चू एज ब्राह्मिन, अदरवाइज ऑफिस बॉय हर मायने में सबसे बेस्ट था, ठीक? यस राज परमार, नोट्स मेकिंग की भी बात करेंगे, स्पीड से बात करेंगे, आप टेंशन मत लो। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, द गॉड दैट फेल्ड, वो क्या था? एक स्मॉल बुक जो कि 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन पे बनी थी, स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, और द गॉड दैट फेल्ड में गॉड मेटाफर है कम्युनिज्म के लिए, और एक डिसइल्यूजन जर्नी थी लोगों की फ्रॉम द कम्युनिज्म, राइट? ये उसके बारे में बात है, और यहाँ से स्टीफन स्पेंडर के बेसिक पर्पस का पता चलता है और उसकी फुल आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है किसको, अशोका मित्रान को। फिर आता है बेटा हमारा इंटरव्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यू चैप्टर एडेड है तो ऑब्वियसली इसमें से कुछ ना कुछ तो आपको पूछा जाएगा। इंटरव्यू के अंदर दो पार्ट हैं, एक तो आपका आइडियाज़ हैं, सजेशंस हैं कि इंटरव्यू है क्या, तो पहले तो कुछ रैंडम थॉट्स हैं, जैसे कोई प्रिमिटिव कल्चर वाले इसको बुरा मानते हैं, जो जैसे उनको लगता था किसी को फोटोग्राफ देना वो आपकी सोल कैप्चर कर लेते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग इंटरव्यू नहीं देते ये मानते हुए कि आपकी सोल कैप्चर हो जाएगी, दैट मींस दे मिनिमाइज योर इमेज, दे मेक यू, दे कॉज यू यू नो हार्म। ओके सो गुड आफ्टरनून आयुषी, दिस इज़ फॉर 12th क्लास आयुषी, ठीक है, दिस इज़ फॉर 12th क्लास, हाँ हम लोग 4:30 बजे मिलेंगे, और आप लोग प्लीज़ आपके आपके नॉलेज में अगर कोई भी 12th क्लास का स्टूडेंट है आप लोग उनके साथ शेयर करो, अपने सीनियर्स के साथ उन्हें बोलो ये 12th क्लास का सेशन हो रहा है और इसमें हम फर्स्ट बुक को समझाने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं विद टिप्स एंड ट्रिक्स, आज हम फर्स्ट बुक विद सेक्शन ए कर रहे हैं,
राइट. सो बेटा इसके अंदर ना अब बच्चे जनरली क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में कि क्या करें हम लोग, सारे के सारे नेम याद रखें या नहीं. तो आप वीएस नायपॉल का जरूर रख लो और उनका जरूर रख लो, आप जिन्होंने ये कहा था ना कि इट इज इमोरल. ठीक है, कैरोलाइन रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ ने अपनी डायरी में लिखा था, इंटरव्यू को उन्होंने इमोरल बोला था और बाद में वही असॉल्ट जो है वो किया था उन्होंने कि नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस वुड गिव इट, येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन. तो वन मार्क में ये चीज आ सकती है कि उन्होंने ये असॉल्ट किस पे किया था. असॉल्ट की बात क्या हो रही है, इंटरव्यूइंग समवन. ओके, अब आ जाता है पार्ट टू. इसमें मुकुंद जर्नलिस्ट हैं, अम्बर्टो इको का इंटरव्यू कर रहे हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि उन्होंने नेम ऑफ द रोज एक नॉवल लिखा है जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा है. उसकी सक्सेस एक मिस्ट्री है, खुद अम्बर्टो इको को भी लगती है क्यों मिस्ट्री है. इसका क्वेश्चन आए तो आपने कहना है राइट थिंग एट राइट टाइम अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको. वो यहाँ पर है पेज नंबर 73 पे लास्ट पैराग्राफ. मिडिवल पास्ट है उनके सामने और नोबडी कैन प्रिडिक्ट इट, उसके बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका जो अपनी सक्सेस का बेसिक रीजन बताया है अम्बर्टो इको ने, वो क्या बताया है. वो उन्होंने बताया है इंटरस्टाइसेस, दो एक्शंस के बीच में जो खाली स्पेस होता है. लाइक मान लो कि आप कहीं गए और आपने मीनिंग खाना खा रहे हो, खाना खा लिया और उसके बाद आप अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे हो. उस टाइम में आप अपनी मेल्स हैंडल कर सकते हो या आप अपने बाकी जो एक आपने नोट्स अगर ऑडिबल फॉर्म में बना रखे हैं आप उसे सुन सकते हो या कुछ भी कर सकते हो. मीनिंग एक फ्री टाइम जब आपके पास है या दो एक्शन के बीच में. जैसे वो यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि वो वेट कर रहे थे मुकुंद पद्मनाभन की और उतनी देर में वो आर्टिकल लिख लें. तो वो वाली चीज़ जो है वो क्या रहेगा कि इंटरस्टाइसिस, यूज ऑफ इंटरस्टाइसिस, यूज ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन टू वर्क्स. ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है हमारी इम्पॉर्टेंट. एक रोलैंड बार्थेस का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. हु वॉज रोलैंड बार्थेस, वो इनका फ्रेंड था और हर समय वो वन डे की वेट में ही उनकी डेथ हो जाती है कि वन डे इन कोट्स आई विल राइट अ नॉवल, लेकिन वो वन डे नहीं आता उनकी लाइफ में. तो कहीं ना कहीं जो हमारे अम्बर्टो इको हैं उनका ये रोल है कि वो जो वन डे वाला एलिमेंट है वो मेरी लाइफ में ना रहे. दैट इज़ वाई ही टेल्स कोट, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल्स ऑन संडेज. तो संडेज से मीनिंग यहाँ ये नहीं है कि वो संडे की वेट करते हैं और फिर नॉवल लिखते हैं. संडे मीनिंग हिज फ्री टाइम, वेन एवर ही गेट्स टाइम ही वॉन्ट्स टू राइट ही जस्ट राइट्स. ओके, दैट इज द सक्सेस पॉइंट और द सक्सेस रीजन बिहाइंड अम्बर्टो इकोस सक्सेस. राइट, फिर आ जाता है हमारा गोइंग प्लेसेस. गोइंग प्लेसेस में बच्चों को जनरली कन्फ्यूजन है कि मैम एग्जैक्टली सोफी कब इमेजिनरी सिचुएशन में है और सोफी कब रियलिटी फेस कर रही है. इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, अच्छा इंटरव्यू में सारे हमारे आरटीसीज और टू मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं. निज़मा फ्रॉम विच चैप्टर? यस रिजन, टेंथ के क्वेश्चन प्लीज अभी मत पूछो अनुराधा, कम एट 4:30. लेट मी हैंडल क्लास 12th ओनली. 21 आर वॉचिंग राइट नाउ एंड जस्ट शो मी योर फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ लाइक, डिसलाइक, वॉट एवर यू वॉन्ट. राइट, हूसोएवर इज हियर फ्रॉम क्लास 10th, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर सीनियर्स. टेल देम दैट इट विल बी अ यूजफुल सेशन फॉर देम. राइट, हाँ जी. सो अनुराधा किसके बारे में बताना है बेटे? आई थिंक आपने 10th का पूछा है ना. 4:30 बजे बेटा 10th की क्लास में बात करते हैं. अभी हम यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, 12th के बारे में. पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं होता बेटा, जब आपकी तैयारी पूरी है ना तो पेपर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता. कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं आने वाला. आप हमारे 4 सेशन देखो तब तक. हमारा पोएट्री का सेशन अलग है, रीडिंग राइटिंग स्किल्स का अलग है और बाकी का वो देखो फिर हम बताते हैं आपको. ठीक है, ओके. सो अब आ जाओ गोइंग प्लेसेस पर. तो कभी भी रियलिटी में नहीं मिली सोफी डेनी केसी से, पहली चीज़ ये श्योर कर लो. दूसरी चीज़, जो सोफी है रियल में अगर उसने डेनी केसी को देखा है तो जो सैटरडे का पिलग्रिमेज होता था, पिलग्रिमेज यहाँ पर टर्म दी गई है, देयर रूटीन
और वो रूटीन भी कैसा इम्पेकेबल रूटीन, मतलब कभी टूटने वाला रूटीन नहीं है उनका. वो एवरी सैटरडे उन्होंने जाना है, फुटबॉल मैच देखना है, और डेनी कैसी का तो कभी भी मिस नहीं करते थे. उस समय जो इन्होंने डेनी कैसी को देखा है वो वही देखा है. तो आइडियल वर्शिप की यहाँ पे बात हो रही है कि आप अपनी लाइफ में आइडल बना लेते हो, उनको वर्शिप के तौर पे फैन गॉड ऐसे वाला सोचने लग जाते हो. नहीं, आफ्टर ऑल कलाकार भी इंसान है, हर कोई आफ्टर ऑल एक ह्यूमन बीइंग है. एक ह्यूमन बीइंग में हर तरह के वो इमोशंस होंगे जो आप में फील होते हैं, जो आपको फील होते हैं. तो कहीं ना कहीं हमें किसी का फैन नहीं बनना है. हम इंस्पायर हो सकते हैं, हम कुछ और बात कर सकते हैं, लेकिन आप फैन मत बनो, फॉलोअर मत बनो. अपना एक अलग पाथ क्रिएट करो. आपको कोई चीज़ कहीं से अच्छी लगती है आप उसको पिक कर सकते हो. आप उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी को भी, राइट. वो यहाँ पर एक मेन मैसेज शो किया गया है. ऑब्वियसली सोफी और जेंजी में से दोनों में से प्रैक्टिकल कौन था, जेंजी ज़्यादा प्रैक्टिकल थी. फिर हम बात करें तो निजमा इंटरव्यू में से बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं. आकाश कौन सी क्लास से बेटा आपको क्वेश्चन है, 10th से या 12th से? यस आर्यन, आप कौन सी क्लास से हो? 12th से ही तो हो आई थिंक. अमन सिंह किस चीज़ के लिए? थैंक्स. ओके, 10th के लिए. अच्छा ठीक है. हाँ जी आकाश, कौन सा क्वेश्चन है बेटे, टाइप करो जल्दी से. ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रही थी, देखा कमेंट पे ध्यान जाती ना, स्किप कर जाता है माइंड, हम थे कहाँ पर. जेंजी ज़्यादा प्रैक्टिकल थी और जो सोफ़ी थी वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थी. वो तो फुल सोफ़ी ड्रीमी वर्ल्ड में रहने वाली लड़की थी. आकाश 10th का क्वेश्चन बेटे, आप जल्दी से 4:30 बजे वाली क्लास में आओ, राइट. अब यहां पर आ जाता है हमारा, शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस. ठीक, उसके ब्रदर के लिए उसका क्या रोल था या उसकी क्या थॉट प्रोसेस था, वाई शी वॉन्टेड टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ हर ब्रदर, बिकॉज शी यूज टू थिंक दैट दैट पर्सन कुड बी द ईजिएस्ट सोर्स टू गेट वॉट एवर शी वॉन्ट इन हर लाइफ. वो चीज़ पाने में वो उसका एक थॉट प्रोसेस था, राइट. अब आ जाते हैं हम, इट्स जॉफ टाइप थिंग नॉट जेंजी टाइप थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जनरली क्लियर ही होता है बच्चों को. डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई विल रिप्लाई टू यू. ओके, नाउ वी कम एट पोएटिक पोएट्री. और इसके लिए अगर हम बात करें तो कैसे कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, पोएट्री के लिए बेटा अगर हम बात करें तो एक आरटीसीज तो जरूर आएगा आपको. अगर हम पोएटिक डिवाइसेस के लिए बात करें और पोएट्री के लिए बात करें तो एक आरटीसी तो जरूर आएगा. साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रहेगी, आपको 2 मार्क के क्वेश्चन में भी पोएट्री से क्वेश्चन आ सकता है, राइट. तो वो चीज हमें देखना है. यहां प्लीज आई नीड हेल्प. ठीक है, नमस्ते आदित्य. सो पोएट्री के लिए बेटा माई मदर एट 66 काफ़ी बच्चों को क्लियर है. माई मदर एट 66 के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ माई मदर एट 66 की सिर्फ इतनी है कि उसमें से इमेजेस को एक्सप्लेन करने को पूछ लेते हैं, जो इमेजरी है. मैरी चिल्ड्रन हो गया आपका, दूसरा कौन से वाला हो गया, जैसे कि ट्री स्प्रिंटिंग हो गया, यंग ट्री स्प्रिंटिंग. ठीक है, ये आपके इमेजरी है और कंट्रास्ट सेट किए गए हैं. जो कार में मदर बैठी हैं वो डल और ओल्ड एज है, और उनका जो कंपैरिजन है वो बाहर के एनवायरनमेंट से किया गया है. अगर ट्रीज़ का एग्जांपल दें तो मूविंग है, क्योंकि कार मूविंग है तो ट्री स्टेशनरी है, बट इट सीम्स लाइक इट इज़ मूविंग. ओके, सो ईशा दिस सेशन इज़ फॉर क्लास 12th. और मदर जो हैं वो बहुत डल एनवायरनमेंट में उनको फील हो रहा है, लाइक शी इज़ She is sitting beside poetess, doors open mouth, her face a shin like a of a corpse. ठीक है, और फिर मैरी चिल्ड्रन जो है ओल्ड एंड यंग का कंट्रास्ट है. ओल्ड एज अगर डेथ को सिग्निफाई करता है तो यंग एज जो है वो बर्थ को सिग्निफाई करता है.
राइट. सो ये हमने यहाँ पर बेसिकली पोएम के बारे में रीड किया है. राइट गाइस, तो आप अब अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो माई मदर एट 66 में जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो यही है. और साथ ही साथ एक है उनके जेस्चर वर्ड्स, एक है उनका पार्टिंग जेस्चर और एक है उनके पार्टिंग वर्ड्स. ठीक है, पार्टिंग जेस्चर जो है वो उनका स्माइल है और पार्टिंग वर्ड्स जो हैं उनका वो सी यू सून अमा है. विद्या कुमारी, आप कह रहे हैं कि सॉक्रेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताएं, तो ये आप पूछ रहे हैं शायद स्नो, डस्ट ऑफ स्नो से 10th का. प्लीज़ 10th में मुझसे पूछना. कृष्णा यादव, राम राम. ओके, जो लोग भी 10th के हैं प्लीज़ 10th 4:30 पे आना. एंड टीम ब्राइट ट्यूटी, प्लीज़ आंसर देम सो दैट 10th वालों को कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी. ये 12th के लिए है. आकाश कह रहे हैं नकल के बारे में कुछ बता दो. भाई हम यहाँ पर आपके डाउट्स लेने आए हैं. ठीक है, जिन चीज़ों को हम ही नहीं मानते उनके लिए हम क्या कहेंगे. अब यहाँ पर पार्टिंग जेस्चर की अगर हम बात करें तो पार्टिंग जेस्चर जो चीज़ है वो आ जाती है आपका स्माइल, स्माइल एंड स्माइल. और अगर हम बात करें पार्टिंग वर्ड्स के बारे में तो वो आता है सी यू सून अम्मा, वो हैं आपके पार्टिंग वर्ड्स. पार्टिंग वर्ड्स हमारे कहीं ना कहीं एश्योर करते हैं पोएटिस की स्टेट ऑफ माइंड, ऑल दो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है बट स्टिल ऑप्टिमिस्टिक एंड पे वो बात को ख़त्म करती है कि जब भी वो नेक्स्ट टाइम आएगी तो अपनी मम्मा को ज़रूर साथ में देखेगी. और स्माइल एंड स्माइल इंडिकेट करती है फेक स्माइल टू हाइड हर इमोशन. एंड दैट इज़ द आयरनी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप कि जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हीं को हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं. मुमताज़, मुमताज़ पोएटिक डिवाइसेस. टीम ब्राइट ड्यूटी, आई वुड अपील यू टू प्लीज़ गिव द लिंक ऑफ पोएटिक डिवाइसेस टू मुमताज़, मुमताज़ विच वी हैव डन 3 days अगो. ओके, सो डे 21 आई थिंक डे 1 रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स के साथ मुमताज़, मुमताज़ उसमें हमने बहुत अच्छे से पोएटिक डिवाइसेस करी हैं कवर. यू गो एंड वॉच दैट वीडियो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स. आई थिंक 21st February, येस, हमारे डे 1 की जो हमने 10th के लिए की थी, बट दैट इज़ इक्वली सूटेबल फॉर एवरी क्लास, इवन फ्रॉम क्लास 6 to 12th. हाँ, उसके अंदर हमने रिपोर्ट राइटिंग वगैरह डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आपका पोएटिक डिवाइसेस का जो डाउट है वो कवर हो जाएगा. आदित्य शहरावत, आप पूछ रहे हैं कि स्माइल रिपीट क्यों किया गया है, वेयर वर्ड्स एंड स्माइल वर्क्स. ओके, एंड हियर द मेन क्वेश्चन इज दिस, दैट स्माइल एक्चुअली रिप्रेजेंट अ लॉट्स ऑफ थिंग. शिव सक्सेना, आप क्या नहीं देख पाए, आप 12th standard के हो. अगर आप 12th standard के हो तो प्लीज़ रिपीट कर लो, आप देख सकते हो आसानी से. राइट, ओके, सो आदित्य क्लियर, स्माइल क्या रिपीट करता है, स्माइल का यही सीन है. अच्छा, टॉटोलॉजी क्या है कि एक तरफ उन्होंने कॉर्प से क्लियर कंपेयर किया, एक तरफ लेट विंटर मून से किया है, वो मैक्सिमम बच्चों को क्लियर होती है. अगर डाउट होगा तो आप यहाँ लिख सकते हो. नो रिया वर्मा, राइटिंग पोर्शन जो है हमने 10th का कवर किया था, 12th का हम कल कवर करेंगे. कल हमारी क्लास 12:30 ही रहेगी या 1, आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कल की क्लास हमारी कब है. ठीक है, अब आ जाते हैं बेटे एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में. एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में आपके 4 stanzas हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा में वो बात कर रहा है वहाँ के स्टूडेंट्स की जो एलिमेंट्री क्लासरूम के अंदर बैठे हैं. सेकंड स्टेंजा के अंदर वो बात कर रहा है क्लासरूम की. कौन है हमारा पोएट इसका, स्टीफन स्पेंडर. अगर ज़्यादा बच्चे 12th class के हैं तो मैं इंटरैक्टिव बना सकती हूँ, आप अपनी अटेंडेंस मुझे ऐसे येस से शो कर सकते हो. जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं वो बता सकते हैं. एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन देयर आर ओनली 5 or 6 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th. इफ दे वॉन्ट इट टू बी इंटरैक्टिव, इफ दे वॉन्ट मी टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम, दे कैन पुट कमेंट्स हियर, आई कैन आस्क देम. इफ यू वॉन्ट टू लर्न ओनली, आई कैन एक्सप्लेन दैट. ठीक है, सो सेकेंड स्टेंजा में क्लासरूम बताया गया. थर्ड स्टेंजा के अंदर इसकी अपनी ओपिनियन है, जो हमारा पोएट है वो साइड ले रहा है किसकी, इन स्लम चिल्ड्रन की. और कहीं ना कहीं उन्हीं के वर्ड्स को, उन्हीं के थॉट्स को गिविंग वर्ड्स टू, गिविंग येस. ओके, व्हाट येस डियर, शुड आई आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू और शुड आई जस्ट एक्सप्लेन. ओके, 6 or 7 स्टूडेंट्स, गुड. फिल्म फेयर अकेडमी, शुड आई आस्क क्वेश्चन और शुड आई एक्सप्लेन ओनली.
Vistas Ria tomorrow at 12:30. Vistas in section B. Okay. अगर आप इस सेशन को भी बहुत अच्छे से देख लेंगे, इवन बाद में भी देख लेंगे, आई एम प्रिटी श्योर कि आप इसमें से काफ़ी कुछ स्कोर कर सकते हो और इसमें से काफ़ी एलिमेंट ऐसा है जो आपके पेपर में आ सकता है. गुड, सो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. गिविंग वर्ड्स टू थॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. और फोर्थ स्टैंजा के अंदर, अच्छा फिल्म फेयर कह रहे हैं, आस्क क्वेश्चन. ओके ठीक है, मैं एलिमेंट्री से ही पूछूंगी. लेट मी गिव समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम. ठीक है, फोर्थ में इन्होंने यहाँ पर अपनी ओपिनियन दी है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए इन बच्चों के साथ, कैसा वाला एडुकेशन इनको देना चाहिए. ओके रिया, आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस. टेल मी, अनलकी ईयर, बहुत सारे बच्चे इसको हायर बोलते हैं, एच ई आई आर, इट इज ईयर. Tell me poetic device related to unlucky ear. Shivanshu, tomorrow 10th class na? Haan, main hoon bhai. Kyo tension? Yes, bhai. 12th, come. Unlucky ear. Example of which poetic device? Dekho, mujhe na interactive audience pasand aati hai. Jaise aapko na interactive teacher pasand aata hai na, mujhe bhi. Pehle to hai hi 25 yahan pe aap. Par 25 bhi mere liye bahut matter kar rahe hai. ओके और दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि एटलीस्ट जितने भी हो ना, इसको इतना इंटरैक्टिव सेशन बनाओ ना कि मजा आ जाए. ठीक, रिंकी कुमारी, 10th में मिलेंगे प्लीज. हाँ जी, अभी कोई पूछ रहा था मुझसे, मुमताज, मुमताज यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू. टेल मी अनलकी ईयर, व्हाई द स्टंटेड अनलकी ईयर बॉय, why the stunted boy is referred as unlucky ear. Metaphor, Mumtaz, Mumtaz, no, it is not metaphor. Unlucky ear, no person. Aryan Dahiya, yes, its name was Nikita, right. So that is absolutely right answer, oxymoron. मैं बता दूं आपको यहाँ, आदित्य wrong answer. Oxymoron क्यों है, ear क्या होता है, successor. Okay, ये जो भी आप कोई भी अगर आपको वेल्थ मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है एज अ सक्सेशन, लेगेसी आपको क्या नहीं से मिली नहीं है रिया, ध्यान से समझो इस चीज़ को. ये लेगेसी जब आपको मिलती है तो आपको मनी, प्रॉपर्टी यही सब मिलता है. लेकिन ये जो स्लम चिल्ड्रन हैं, दे आर अनलकी. जिसको भी अगर कोई ईयर बनेगा किसी का भी, सक्सेसर बनेगा किसी का भी, तो उसको बोला जाता है ना कि बहुत लकी है ना. लेकिन अनलकी क्यों है, क्योंकि उसको जो प्रॉपर्टी में मिल रहा है, यस देवांशी शर्मा, एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी गुड. उसको मिल क्यों रहा, मिल क्या रहा है, उसको डिजीजेस मिल रही हैं, उसको पॉवर्टी मिल रही है. हेलो मानिका, राइट. तो उसको डिजीजेस और पॉवर्टी मिल रही है, दैट इज व्हाई इट इज ऑक्सीमोरॉन. आप में से जिसको नहीं पता ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, वो यही है जैसे कि अनलकी ईयर. ओके, यानी कि ये वो पर्सन है जो जनरली लकी होता है, इसको इसकी क्वालिटी से ऑपोजिट दिखाना, दैट इज अनलकी ईयर. ओके मुमताज, क्लियर. वैष्णवी, अच्छा ही होगा बेटा, बढ़िया होगा, लेकिन 4:30 बजे बात करते हैं उसके बारे में. ओके, नाउ टेल मी, एक्सप्लेन द लाइन फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग. एक्सप्लेन फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग. फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, फास्ट टाइप, फास्ट. Future painted with a fog. Hello Anju. Future painted with a fog. Hello Mohammed. Z Music Company. 8-mark question, 10th के हो गए जरूर तुम. ये question मैं discuss कर चुकी हूँ. हाँ जी, 12th, I am waiting for answer. लिटरेचर चैप्टर क्वेश्चन रिंकी, गो एंड वॉच 22nd and 23rd. वैष्णवी तिवारी, एलिट्रेशन बेटा आप किसकी बता रहे हो? नो आइडिया अबाउट फ्यूचर मुमताज, मुमताज एक्चुअली फ्यूचर इज अनप्रडिक्टेबल. ओके, फ्यूचर इज अनप्रडिक्टेबल एंड इफ इट इज कवर्ड विथ फॉग, दैट मीन्स द थिंग विच इज ऑलरेडी अनप्रडिक्टेबल एंड दे डू नॉट हैव एनी एडुकेशन, एनी विजन टू सी दैट क्लियरली, सो दैट विल ऑलवेज बी फॉगी. ओके, सो दिस इल्यूजन और यू कैन से इट इज टोटली अनप्रडिक्टेबल एंड फुल ऑफ ग्लूमिनेस एंड व्हाट डू यू कॉल दैट, फॉग क्या करती है उस चीज को ब्लर कर देती है ना विजन को, सो टोटली ब्लर्ड फ्यूचर. ओके, यस देवांशी,
Now, stars of words represent, Nikhil Vijayaran. Their future revolve around a dull classroom. No, Nikhil, your answer is wrong. This answer would not be accepted. जो पहले हमने explain किया है वही होगा. सानवी, 4:30 बेटा, come at 4:30. Yes. Stars of words represent. Thank you, Aditya. I just want answer. Star of words. कोई भी आप जिसे words of motivation. Very good, Nikita. Aryan Daya, with the name of Aryan Daya. Words of motivation. Okay, stars of words is what actually? Stars of words जो होते हैं, ये exactly होते हैं कि अगर हम slum children को देखें, तो generally, ये जरूरी नहीं है कि आप हम सब जिस upbringing से born हो रहे हैं, सब कोई वहाँ पर वैसे ही born हो रहा है. Maybe they, their eyes open with the abusive words. Maybe they got scoldings every time. So, how can you expect good things from them? And stars of words, एक और चीज़ indicate करते हैं, words of appreciation plus words of inspiration. Like, आप अगर थोड़ा सा motivation lose करो, तो आपको guide करने वाला आ रहे, बेटा, क्यों घबराता है? हो जाएगा सब कुछ ठीक, है ना? वहीं पर आप घबराए हो, आपके आसपास वाले जो लोग हैं, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, कुछ नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं. तो already वो जो motivation थोड़ा बहुत आना भी था, वो भी गया. So, इनकी life में वो missing है. Nature missing है. जो इनके लिए काम कर रहे हैं एडुकेशन का वो मिसिंग है. स्टार्स ऑफ वर्ड यानी कि लॉरेट्स और ये पोएट्स और जो लोग इनको अपने शब्दों से इंस्पायर कर सकते हैं, गुड टीचर्स, दे ऑल आर मिसिंग फ्रॉम देयर लाइफ. नाउ टेल मी हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन. फर्स्ट हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज सन. ये इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस. History is there whose language is sun. So only those people can mark their place in the history who has the language of the sun. That means dedication, perseverance, punctuality, goals, and burning all the time. If you want to be shine like sun, you have to burn like sun. So he is emphasizing on the need of practical education here. Right? Okay. Now, if we come to third poem, that is Keeping Quiet. So, Keeping Quiet के अंदर बेटा हमारा सबसे पहला statement आ जाता है Pablo Neruda का कि वो आपको prepare कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 12 तक count करो और जल्दी से meditate करना शुरू करो. तो दो question आते हैं, why 12? Okay? And what does 12 indicate? So, 12 जो है वो indication हो रही है कि okay, get ready for the meditation. Get ready? Yes, Bharat Lal. बिल्कुल सही आंसर है आपका. दिवांशी, आपका आंसर सही है. आप लोगों के आंसर मेरे पास बहुत लेट पहुंच रहे हैं. गुल ओबरॉय, राइट आंसर, वेरी गुड. वी हैव रीच टू पोएम नंबर 3. लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट. ग्रेस ऑफ गॉड, रिया वर्मा. यस, आप ये कह सकते हैं, एज सन इज बर्निंग ऑल द टाइम एंड सन शाइन्स एक्चुअली बाय बर्निंग इट्सेल्फ, वन कैन ओनली रीच टू द हाइट्स ऑफ सक्सेस इफ द फायर ऑफ एजुकेशन रीकिंडल्स इन टू दैट पर्सनस ब्रेन और इन टू हिम और हर. राइट, हाँ जी. सो अभिषेक कह रहे हैं 12 आवर्स इंडिकेट करता है. 12 जो है बेटा वो क्या इंडिकेट करता है? पहला तो है 12, वॉट डज इट इंडिकेट? गेट रेडी, काउंट डाउन. ओके, वाई ही टुक ट्वेल्व? बिकॉज अगर आप 12 को देखेंगे तो डे, अर्थ डे जो है पूरा वो 12 आवर्स में डिवाइड है, डे एंड नाइट. उसके अलावा जो पूरा वन ईयर है वो 12 मंथ्स में डिवाइड है. ओके, सो एक मीनिंग तो ये कहता है कि वॉट एवर एम आई गोइंग टू टेल यू, यू शुड मेमोराइज इट और यू शुड रिमेंबर इट ऑल थ्रू योर लाइफ, ऑल थ्रू द डे, ऑल थ्रू द नाइट, एवरी टाइम. लेकिन दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सिग्निफिकेंट है, जो सिम्बॉलिक मीनिंग है, वो ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब 12 o'clock बजते हैं घड़ी में, उस समय आर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड सब एक ही पोजिशन पे आ जाते हैं. वन बोलूँ, वन पे नहीं आएंगे, टू बोलूँ, टू पे नहीं आएंगे, थ्री, थ्री पे नहीं, फोर पे नहीं,
12 o'clock पे आपका मिनट हैंड, आर हैंड, सेकेंड हैंड सब एक पोजीशन पे आ जाएगा. जब वो सब एक पोजीशन पे आ गया, आप जानते हो मिनट हैंड, आर हैंड, सेकेंड हैंड सब सेम साइज के नहीं होते. दिस इंडिकेट्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड. दैट मीन्स मैनकाइंड हैज टू लिव टुगेदर बाय मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एनी काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज, सबको एक साथ रहना है. तो यहाँ गुल नो, 12 जोडिक साइन वगैरह वो सब नहीं आएगा. मेन जो है वो आपका आ जाएगा. ठीक है, आप जोडिक साइन का ये ले सकते हो. फॉर एवरी पर्सन इट एक्चुअली वैलिडेट्स द ट्रूथ. लेकिन जो सेकेंड पॉइंट मैंने आपको दिया है वो बहुत ज़रूरी है. देवांशी पूछ रही है, मैम फेसेज ऑफ चिल्ड्रन आर कंपेयर टू रूटलेस वीड्स, वॉट डज इट मीन? फर्स्ट थिंग, देयर डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर. और दूसरा, जो डिसऑर्गेनाइज लुक्स जो हैं, जैसे रूटलेस वीड्स भी फैले हुए होते हैं. सेकेंड, अनवांटेड है रूट वीड्स जो हैं. रूटलेस होती है ईजिली अपरूटेड. ओके, इन द सेम मैनर दीज चिल्ड्रन डू नॉट हैव स्ट्रांग बैकग्राउंड. आप एक मिनट के लिए देखो, अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो इनके पेरेंट्स इनका सपोर्ट नहीं करते, उल्टा सबके बीच में डांट लगती है इन लोगों की, है ना? तो दैट इज ऑल अबाउट, राइट? तो उसकी बात करें अगर हम, तो फिर पेब्लो नेरुडा का 12 का कॉन्सेप्ट है. फिर वो यहाँ पर एग्जॉटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं. एग्जॉटिक मोमेंट कौन सा है? मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन बाय कीपिंग क्वाइट. इस मोमेंट में तीन चीजें होंगी. सडन स्ट्रेंजनेस, ओके, टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस, यानी कि हर मैनकाइंड देखेगा. लिंग्विस्टिक शोविनिज्म ना होते हुए कोई भी बातचीत आप किसी से नहीं कर रहे हो. बींग टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस, आप सब एक दूसरे के साथ फील करोगे अचानक से, लेकिन उनको आप पर्सनली जानते नहीं होगे. आपको समझ में आएगा वी ऑल आर ह्यूमन बींग, और कहीं ना कहीं हम सब जो हैं वो सब एक दूसरे से एसोसिएटेड है, राइट? अब आ जाता है, यस मुमताज, बॉटल बिट्स आप पूछ रहे हो. बॉटल बिट्स होता है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल था बॉटल बिट्स का वो ये था, एज यू थ्रो अ बॉटल, ग्लास बॉटल ऑन द स्टोन, इट स्मैशेज लाइक पीसेस. सिमिलरली दीज पीपल आर सिटिंग ऑन अ स्लैग हीप एंड स्कैटर्ड लाइक पीसेज ऑफ बॉटल बिट्स, लाइक नो बडी टेक्स केयर अबाउट देम. तो वो चीज़ यहाँ पर इंडिकेट करती है. ओके, ठीक है. सो अब यहाँ आ जाता है हमारा, इन सडन स्ट्रेंजनेस आपको समझ आ गया. अब यहाँ पर इन्होंने बताया इस एग्जॉटिक मोमेंट में क्या होगा, कि जो एक तो है जो आपका एग्जॉटिक मोमेंट, फिशरमैन इन द कोल्ड सी. एक है फिशरमैन जो कोल्ड सी में वेल के लिए सर्च कर रहा है, यानी कि ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड. तो फिशरमैन सिम्बॉलिक है who is going to oppress someone. Cold sea हमारे world, insensitive world को indicate करता है. वो भी अगर meditate करेगा या थोड़ी देर के लिए शांत रहेगा, तो थोड़ी देर के लिए जो whale, यानी कि जो cut throat competition है, इसको chance मिल जाएगा वहाँ से बच के भागने का. Third जो हमारा point है वो ये, second जो हमारा point है वो ये, कि उस तरह के लोग जो generally दूसरों को ना नहीं कह पाते और खुद का harm करते रहते हैं, जैसे कि salt gatherer, ठीक है, उसको टाइम मिलेगा थोड़ी देर के लिए अपने हर्ट हैंड्स को देखने के लिए. उसको भी थोड़ी देर का एक रेस्पाइट मिलेगा जब वो इस एग्जॉटिक मोमेंट को लीड कर रहा होगा. थर्ड टाइप के लोग कौन से हैं? ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो ना किसी का बुरा डायरेक्टली करते हैं, और जो ना ही एरिस्टोक्रेट्स वगैरह, जो ना अपना बुरा होने देते हैं, मतलब दो लोगों की फाइट का फायदा उठाते हैं, ठीक है. सो वो लोग हु आर इन पावर, उन लोगों को जो दिक्कत आएगी, मीनिंग उन लोगों को भी समझ आएगा ऐसी विक्ट्री का क्या यूज है जिसका कोई सर्वाइवर ना हो, ठीक है. तो वो यहां पर आएगा. आदित्य, ग्रीन वॉर से मतलब है वॉर्स दैट कॉज हार्म टू द नेचर, ओके, अगेंस्ट द नेचर, न्यूक्लियर वॉर्स एंड अगेंस्ट द पीस, अगेंस्ट द मैनकाइंड. Why Shakespeare is wicked and map bad example? Shakespeare is wicked because Shakespeare is epitome of language or any literature. Okay, and then if we talk about these people, do not know even the L of the literature. And there if we keep the photograph, if we put the photograph of Shakespeare on the wall and we expect them to respect Shakespeare, they would obviously say this is wicked man, what has he done? One reference is this. Second reference is this. Shakespeare work is very biased work. Shakespeare का work जितना भी है ना वो बहुत ही biased है.
दैट मीन्स उन्होंने भी अपनी जितने भी वर्क प्रोफाइल है उसमें उन्होंने बात करी है हमेशा इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के बारे में. स्लम चिल्ड्रन के लिए कुछ भी नहीं किया या स्लम कैटेगरी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, उसमें उनको उन्होंने हमेशा डिप्राइव दिखाया. ये भी एक सेकेंड रेफरेंस हो सकती है उनकी. ठीक है, मैप बैड एग्जाम्पल क्यों है? इंस्टेड ऑफ गाइडिंग देम टू मूव फॉरवर्ड, इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग देम दैट देर आर सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड, यू शुड मेक योर सेल्फ एलिजिबल इनफ टू रीच आउट देयर, इट क्रिएट्स टेम्पटेशंस अमंग देम टू रीच देयर बाय हुक बाय क्रूक. तो एक अच्छा इंसान बनाने की बजाय वो उसको क्या बना रहे हैं, वो उसको क्रिमिनल में कन्वर्ट कर रहे हैं. अगेन बैड एग्जाम्पल इज ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा गुड होता है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो बैड जा रही है. राइट, ठीक है. सो अब बात कर लेते हैं हम कोल्ड सी इनसेंसिटिव. ओके, सो ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह आ जाएगा. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर. एल्यूजन है यहाँ पर कि ऐसी विक्ट्री का क्या एक बेनिफिट जिसका कोई सर्वाइवर, व्हेन देयर विल नॉट बी एनीवन टू सेलिब्रेट दैट विक्ट्री. देन ही एक्सप्लेन्स हिमसेल्फ दैट व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी. रियल मीनिंग ऑफ टोटल इनएक्टिविटी इज डूइंग नथिंग. आदित्य वेट, आई एम आंसरिंग यू. एंड लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, दैट मीन्स इट इज अबाउट मूविंग. सो ही इज नॉट सेइंग डू नॉट डू एनीथिंग, कि ऑब्वियसली कोई कहेगा आप कह रहे हो किसी का बुरा करो मत, अपना बुरा होने मत दो, दूसरे का फायदा उठाओ मत, करो क्या, तो मर जाओ ऐसे ही. राइट, तो ऐसे ऑडियंस के लिए पहले से ही पेब्लो नेरुडा कह रहे हैं नहीं भैया, मेरा कहने का मतलब है वॉट एवर यू डू डू, बट डू नॉट गो बाय सिंगल माइंड सेट. प्रॉफिट मोटिव पे ही ध्यान रख के आपको दूसरे का वर्स्ट नहीं करना है. आप अगर कुछ भी काम करने जा रहे हो तो अपनी फील्ड में आप अपना बेस्ट दो. ठीक है, तो दैट इज वॉट ही वॉन्टेड. आदित्य आपका क्वेश्चन क्या था बेटे, आई मिस दैट ग्रीन वॉर वाला समझा. अच्छा, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स जो है यहाँ पर इन्होंने बोला है कि when they will experience that exotic moment, in that moment also they will come to know the power of peace and they will understand the value of what do you call mankind. So they will put on clean clothes. Ka alliteration hai. Put on clean clothes meaning jo unka already wo jo outer appearance hai, clean clothes to wo pehente hi hai, their soul will also be purified internally and they will work for the mankind. Sunil Babna, kya cheez bete transfer epithet hai, answer karo mujhe. Green wars nature ke against, aapki wars jo nature pe bad impact dalti hai. Theek hai, right, okay. Uske baad aa jata hai huge silence ऑफ माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस. ये सैडनेस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शायद जो हमारी सैडनेस है उसको इंटरप्ट कर सके. वेन यू विल बी कीपिंग क्वाइट और वेन यू विल बी मेडिटेटिंग और वेन यू विल बी डूइंग इंट्रोस्पेक्शन बाई कीपिंग क्वाइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू नो दिस पॉइंट. कॉन्स्टेंट सैडनेस विच यू फील समटाइम्स वॉट हैपन, एवरीथिंग इज गुड ऑल अराउंड अस बट वी फील सैड. वॉट डू वी वॉन्ट, चाहिए क्या हमको, है ना, उस चीज़ का एक थॉट प्रोसेस अपने माइंड में चलते रहता है. सो आपको उस सैडनेस को समझने का पावर मिलेगा वेन एवर यू फील, वेन एवर यू स्पेंड टाइम इन अ सिंगल प्लेस बाय कीपिंग क्वाइट. ओके, फिर यहाँ पे उन्होंने लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ ने जो अर्थ हमको बता सकती है, अर्थ को पर्सोनिफाई किया है. अर्थ क्या बताती है, वो ये बताती है कि अर्थ के फेस पे हम देख सकते हैं, यू कैन लुक एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट इज़ वेरी काम. ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग अंडर दिस अर्थ. आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो भी जानते हो, आपने साइंस पढ़ा है तो भी जानते हो. ठीक है, तो यहाँ पर जो वो मैसेज देना चाहते हैं वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो अर्थ है, अर्थ कैन टीच अस, आर स्टेट ऑफ माइंड शुड ऑलवेज बी काम. जैसे ये अर्थ हमें हमेशा सरफेस पे शांत दिखती है, इन द सेम मैनर वी शुड ऑलवेज बी काम डाउन. आप कोई कार खरीदते हो तो ऑब्वियसली कार आएगी तो ये तो गारंटी नहीं है ना कि उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, खड़े खड़े भी एक्सीडेंट हो सकता है. लेकिन आपकी कार एक्सीडेंट प्रूफ किस तरह से बना देते हैं, जैसे कि एयरबैग्स हैं उसमें, सब कुछ है, डैमेज होगा लेकिन उतना नहीं कि अंदर बैठे को इम्पैक्ट करे. सिमिलरली आपकी लाइफ में कोई भी बैड चांसेस, बैड सर्कमस्टांसेस आएंगे, लेकिन आपकी ये चीज़ अगर स्ट्रांग है तो
आपको हिट इतना हार्ड नहीं होगा, तो वो हम अर्थ से सीख सकते हैं. ओके, हाउ टू कीप योर स्टेट ऑफ माइंड काम, बिकॉज आप कुछ नहीं करते, सब कुछ आपकी स्टेट ऑफ माइंड करती है. अब अगर मैं ये मान लो पानी का ग्लास है, इसमें एक में ग्लास में पानी रखूँ, एक में थम्स अप रखूँ, उसको शेक करूँ, या वो बॉटल है थम्स अप की उसको शेक करूँ और ज़रा सा ओपन करूँ, तो आप जानते हो वो कितना फिजी ड्रिंक है, कैसे जाएगा. और वहीं दूसरी बॉटल में अगर पानी है, सिंपल वाटर, उसको जितना मर्जी शेक कर लूँ, काम, टर्बुलेंट लेस, कुछ भी नहीं होगा उसको. बॉटल का कैप खोलेंगे तो सिंपल रहेगा. सिमिलरली यही मैसेज यहाँ पे मिलता है. प्लस सेकंड मैसेज, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. ओके, सो एंड है, यू कैन सी इट बिगिनिंग और एंड, इट इज अबाउट योर परसेप्शन. एक डोर जो एंट्री के लिए काम करता है, वो एग्जिट के लिए भी काम करता है. आप उसको एग्जिट देख लो, एंट्री देख लो, आप फुल स्टॉप को एंड देख लो या बिगिनिंग ऑफ न्यू सेंटेंस देख लो. तो जैसे अर्थ के नीचे बहुत सारे लेटेंट सीड्स हैं, जैसे ही उनको अपने टाइप का एनवायरनमेंट मिलेगा, दे विल स्प्राउट लाइक अ न्यू प्लांट. सिमिलरली अ काम माइंड कैन थिंक मेनी न्यू आइडियाज दैट वुड बी प्रोडक्टिव टू द मैनकाइंड. ओके, हेलो जस, यस आदित्य, आप 10th की क्यों पूछ रहे हो? अभी तो आप 12th के पूछ रहे थे क्वेश्चंस. 10th के हम बताएंगे उसमें 4:30. हेलो, ठीक है. सो लास्ट लाइन है, आई विल काउंट टू 12, नाउ यू कीप क्वाइट, आई विल गो. तो वो क्या है, अगेन वो काउंटडाउन है कि आपने जो सीखा है कंटिन्यू करो. आई विल गो मीनिंग मैं एक न्यू जर्नी पर हूं, आई एम रिज्यूमिंग माई जर्नी. पैसिफिस्ट हैं पेब्लो नेरुडा, आपको जो सिखा दिया आप उसे कंटिन्यू करते रहो. टीचर का रोल ओवर, नाउ इट्स टाइम कि आप अपने रोल को कंटिन्यू करते रहो. दिस इज अबाउट कीपिंग क्वाइट. अच्छा आदित्य, उनको बोलना आप कि 4:30 पर आएँ हमारे पास, हम उनको बता देंगे. तब तक हमारी 4 वीडियोज वो देख सकते हैं, 21, 22, 23, 24, द दीच बॉय. ओके, हेलो जी. रोड साइड स्टैंड, गुड पोएम. इसके अंदर आपको ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है. इस पोएम के अंदर आपके जो डाउट्स हैं वो पूछ लो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने पर आई तो बहुत टाइम लग जाएगा इस पोएम को एक्सप्लेन करने में. हेलो सुधांशु, गुड. सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बात आ जाती है रोड साइड स्टैंड की. रोड साइड स्टैंड हमारे लिए यहाँ पर सिंपली एक प्लीडिंग है रोड साइड स्टैंड के लिए. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जो लोग कंट्री साइड रोड ऑफ स्टैंड, जैसे हाईवे वगैरह पे आप जाते हो, रोड साइड स्टैंड अगर वो लगाते हैं, तो आप उनको ज़रूर रिस्पेक्ट करो. उनको भी एक एक होप है कि अगर वो कोई सिटी से लोग आ रहे हैं तो सिटी मनी उनकी फैमिली को सपोर्ट करे. ओके, उससे उनके मीन्स ऑफ सर्वाइवल बढ़ेंगे, क्योंकि उनके अपने एरियाज में इतना मीन ऑफ लाइवलीहुड नहीं है. ठीक है, वो चीज़ आपके इसमें मेन मैसेज है. लास्ट में इसके लास्ट टेंजा में वो जबकि डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि कैसे मैं एक चाइल्ड, ये वाली लाइन आपकी कहाँ चली गई, वो आई वंडर हाउ शुड आई लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ पेन. तो इसको उन्होंने नाम दिया है कि ये जो एक चाइल्डिश विश है जो वो करते हैं बार बार, कि कैसे वो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप आओ और कुछ करके जाओ. लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो ये कि पॉलिश ट्रैफिक क्या है, ट्रांसफर एपिथेट है, ट्रैफिक मूव बाय रॉयल एरिस्टोक्रेटिक पीपल्स. ओके, उसके बाद आ जाता है आपका एन टर्न एस टर्न रॉन्ग, कैसे उनकी जो आर्ट है वो कैसी लगाई हुई है. उसके अलावा आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 1000 सेल्फिश कार्स. सो सेल्फिश कार जो है, अगेन आपका एग्जाम्पल ट्रांसफर एपिथेट का है, कार सेल्फिश नहीं है, उनको चलाने वाले सेल्फिश हैं. क्वेश्चन आपको 2 मार्क का ज़्यादा आता है इसमें से, वो पूछ सकते हैं आपसे कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको लेकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंगर शो करते हैं. जैसे कि आपने कुछ परचेज नहीं करना, लेकिन आपने थोड़ा टर्न लेना है पीछे की सीनरी, तो आप ख़राब करके जा रहे हो, ब्लेम आप रोड साइड स्टैंड वाले को कर रहे हो. सेकंड, आप पेट्रोल का गैलन पूछ रहे हो, लैंड के रेट पूछ रहे हो. ठीक है, रजनी कह रहे हैं कि कंट्री स्केल ऑफ गेन, रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट एंड कंट्री मनी. ओके, राइट,
flower of city from sinking and withering faint, right? So flower of cities जो हैं बच्चे ये कहीं ना कहीं हमें explain करता है जो city dwellers हैं और उनको देखकर flowers of cities from sinking and withering faint, like जो एक hope है ना वो demolish जो हो रही है वहाँ पर और withering paint, यहाँ पर भी बात की गई है उन लोगों की कि उनको आप faint होने से नहीं, faint होने से बचा लो आप उनको. और सिटी फ्लावर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री फोक्स को भी इंडिकेट करते हैं. कंट्री फोक्स हमारे रूरल पीपल हैं, सिटी ड्वेलर्स हमारे जो सिटी को बिलोंग करने वाले लोग हैं. चाइल्डिश लॉन्गिंग प्रिया, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, टू विश फॉर विच यू थिंक इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, ब्यूटी पे अभी हम आते हैं. मुमताज, वेट, इमॉर्टल ड्रिंक, यस, कंट्री मनी, कंट्री मनी, मनी बिलोंग टू द रूरल पीपल. Country scale of gain, that is means of resources to the rural people. Rajni, आप सुन रहे होंगे. Requisite lift of spirit, that means the basic driver force to survive in this world. उसके लिए money होना बहुत ज़रूरी है और उन सब चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है जिससे वो चीज़ों को buy कर सके. जी मुमताज़, मुमताज़ आप पूछ रहे हैं. अच्छा, beauty मैंने miss कर दिया बीच में से. Okay, तभी आप पहले पूछ रहे हो. I miss, sorry. मैं समझा देती हूँ. Poem 4, थिंग ऑफ ब्यूटी, बहुत ही बढ़िया पोएम है. इसके अंदर सिंपली ये बताया गया है, सबसे पहले ब्यूटी का आइडिया दिया गया है, जॉय दैट नेवर एंड्स इनटू नथिंगनेस. फिर उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ, क्वाइट ब्रीदिंग, बावर, ये उनके मेटाफर हैं, राइट. फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया है नोबल नेचर और ग्लूमी डेज. ऐसा नहीं है कि सब तरफ ब्यूटी है, लेकिन कहीं कहीं जो है वो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है इनह्यूमैनिटी वगैरह, लोगों के मिल ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, कि लोग उससे सफ़र हो जाते हैं. फॉर दोज पीपल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड ब्यूटी. तो वो उसके लिए एग्जाम्पल उन्होंने दिया है सन, मून, ट्रीज, ओल्ड, यंग, स्प्राउटिंग, शेडी बूंस, वो उन्होंने वहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं. साथ ही साथ यहाँ पर अब वो कंट्रास्ट सेट करते हैं कि यू कैन अप्रिशिएट ब्यूटी ओनली वेन यू कैन फेस द कंट्रास्ट ऑफ और ऑपोजिट ऑफ दैट सिचुएशन. मीनिंग अगर डे है तो नाइट है, समर है तो आप कूलिंग कवर्ट ऑफ वाटर यानी उसका कूलिंग इफेक्ट किसी चीज़ का फील कर सकते हैं. ठीक है, अब आपने जो पूछा है बच्चे यहाँ पे इमॉर्टल ड्रिंक, मुमताज़ मुमताज़, दैट इज इमॉर्टल इज पेरिनियल विच इज परमानेंट एवरग्रीन दैट इज नेक्टर. ओके, एंड ही हैज एम्फेसाइज द स्टोरीज विच वी रीड और हर्ड, which we have heard or read from our ancestors, that actually works as a fountain of beauty, okay? Endless fountain, जो कि heaven में तो बहुत ज़्यादा level पे है, लेकिन अपने यहाँ की अगर हम बात करें तो available तो है, हम देख सकते हैं, लेकिन वहाँ overflow हो रहा है. Brink meaning overflow. Yes, रजनी, grandeur of dooms का meaning है, dooms होता है. आदित्य, no need to worry. We are here. You can ask us any kinds of problem or doubts, whatever you want to ask. But it would be very encouraging for me if you guys share with your friends so that we can have more audience to have an interaction. We can arrange more live session like that only. Okay. हाँ जी, ग्रैंडियर ऑफ डूम्स होता है, ग्रैंडियर होता है मैग्निफिसेंस, किसी भी चीज़ का एक बहुत बड़ा लेवल. डूम्स होता है डेथ. ओके, सो डेथ इज ऑल्सो अ ब्यूटी इफ इट इज एसोसिएटेड विद अ कॉज, अ नोबल कॉज, लाइक वी स्टिल रिमेंबर रानी लक्ष्मीबाई, वी स्टिल रिमेंबर भगत सिंह, वी स्टिल रिमेंबर दोज पीपल हु हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द राइट कॉज. ओके, सो वॉट इज दैट डेथ? कहीं ना कहीं पेन जरूर लाएगी, बट वो ग्रैंडियर हो जाती है, वो दैट एक्चुअली बिकम्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी, बिकॉज दैट डेथ इज ऑल्सो वर्थ टेलिंग टू एवरीवन. यस मुमताज, इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, हर रेफरेंस आपने याद करनी है. मीनिंग दे कैन गिव यू इमॉर्टल ड्रिंक, दे कैन आस्क यू माइटी डेड, दे कैन आस्क यू मस्ट रोज ब्लूम, दे कैन आस्क यू बॉवर एक्सप्लेन करो, दे कैन आस्क एनी थिंग, दे कैन गिव यू आरटीसी ऑल्सो. So, I actually don't believe in important questions because जैसे ही मैंने ये chapter start किया था, ये session start किया था, तो I told you that there are so many people who can give you these things. Okay, guaranteed ही आएगा, guaranteed. We can also do that. 20 years big experience कर सकते हैं उस चीज़ को.
लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू, मैं ये चीज़ करना नहीं चाहती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ. ऑब्वियसली आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आपको पैटर्न बता रही हूँ सीबीएसई का, अनएक्सपेक्टेड है, सर्टेन अनसर्टेन है. तो 60% तो बनाना ही है कि सभी को पास कर सके, लेकिन पेपर को ईजी भी रखना है. तो कुछ चीज़ें जिनको आप इम्पॉर्टेंट समझो, कई बार उसको छोड़ दिया जाता है, उस बेसिक चीज़ को उठा लिया जाता है. जैसे आप जो 12th के बच्चे हैं, अगर इकोनॉमिक्स आपके पास है, मैं अभी बता दूं, आई एम इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश फैसिलिटेटर. 6 to 12 आपको 12th का इकोनॉमिक सेशन भी मिलेगा यहाँ पर, तो आप उसके लिए पहले से ही हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं. तो उसमें भी मैं आपको जो बात कहूँगी वो यही कि अक्सर जिन चीज़ों को हम इम्पॉर्टेंट समझते हैं, आपकी ओवरऑल नॉलेज जज की जाती है. तो डोंट गो फॉर इम्पॉर्टेंट, जस्ट लर्न एवरीथिंग. आदित्य, आरटीसी का मीनिंग होता है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. मतलब पैराग्राफ से आपको एक एक्सर्प्ट निकाल के देना, चैप्टर में से एक पैराग्राफ निकाल के देना और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछने. ऐसे ही पोएम में से एक स्टैंजा निकाल के देना और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछने, दैट इज आरटीसी. एनीथिंग एल्स? ओके, लास्ट पोएम, गुड. सो लास्ट पोएम इज आंट जेनिफर्स टाइगर. आंट जेनिफर्स टाइगर की अगर हम बात करें तो 3 stanzas हैं. फर्स्ट में टाइगर्स का डिस्क्रिप्शन है, सेकंड में पता चलता है कि आंट, पहले में हमें ये टाइटल से फील होता है कि ओ वेरी बोल्ड आंट, शी मस्ट बी रेयरिंग टाइगर्स ओनली, बट पता चलता है नो, उनका ये अपना एक पास टाइम है, फ्री टाइम है, वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं. लेकिन सेकेंड स्टैंजा में पता चलता है हॉबी हम फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं, टू येस बेटा मैक्रो भी कराएंगे, मैक्रो इंडियन इकोनॉमी दोनों, 6 to 12 कॉन्टिन्यूसली हम आपके साथ रहेंगे, राइट? हाँ, तो बच्चे सेकेंड स्टैंजा के अंदर जो हमारा पार्ट है वो ये है कि आंट जेनिफर की स्टेट ऑफ माइंड, वीक स्टेट ऑफ माइंड को वहाँ पे डिस्कस किया गया है. दैट मीन्स उसका शॉविनिज्म भी, मेल शॉविनिज्म यहाँ पे जस्टिफाइड हो रहा है. किस चीज़ से? अंकल का वेडिंग बैंड जो उनके हैंड पे हैवीली बैठा हुआ है, वो पर्सोनिफिकेशन है. साथ ही साथ वो वेडिंग बैंड सिंबल किस चीज़ को कर रहा है? अनहैप्पी मैरिटल लाइफ को. इवन इन द एब्सेंस ऑफ अंकल शी इज़ फीलिंग अफ्रेड और शी इज़ नॉट एबल टू वियर दैट आइवरी निडल, टू पुट दैट आइवरी निडल आउट. सो आइवरी निडल एक तरफ तो इंडिकेट करती है उसकी रिच फैमिली और एक हाई क्लास को, दैट इंडिकेट्स कि ये जो मेल शॉविनिज्म है, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, वो खाली आप एक क्लास में नहीं देख सकते, इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू एवरीवेयर. तो ये सभी तरफ एप्लीकेबल है, राइट? एंड देन लास्ट स्टैंजा, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विद लाई. सो टेरिफाइड हैंड आपका ट्रांसफर एपिथेट है, हैंड नहीं डरे हुए हैं, पर्सन डरा हुआ है. डेथ के बाद भी उसके जो हैंड है वो एक सोसाइटी इन सब स्टिग्मा का विक्टिम बन जाएगा और वो पर्सन कभी भी अपनी प्रॉब्लम को सबके सामने कह नहीं पाएगी. तो मैसेज ये है इस पोएम का, से नो विद ग्रेस. और जो लास्ट की लाइन है, जो टाइगर शी हैड मेड विल गो ऑन प्रांसिंग एंड अनअफ्रेड. दो मीनिंग है बेटा इसके. पहला, जो फिक्टिशियस टाइगर है ऑब्वियसली उसकी क्रिएशन रह जाएगी बाहर. सेकेंड, जो ये मेन है, दैट ऑल्सो क्रिएटेड बाय हर ओनली. एंड इफ शी हैड रेस वॉइस, नो बडी एल्स वुड बिकम विक्टिम आफ्टर हर. सोसाइटी को पता ही नहीं उसके साथ हुआ क्या है, बट यही उसकी एक नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एलिमेंट है जो उसकी डेथ के साथ ही चला जाएगा, राइट? ये मैसेज है. और कंट्रास्ट है टाइगर्स का, तो आंट बहुत वीक हैं, टाइगर स्ट्रांग हैं. लेकिन क्यों वो टाइगर्स को पोर्ट्रे कर रही हैं? उनकी हिडन डिज़ायर्स हैं, हिडन रिवेंज है जो वो लेना चाहती हैं, बट शी कुडंट. ओके, हेलो नमन. सो दैट्स इट, 12th सेशन फॉर लिटरेचर. A quick recap for Flamingo, we have done that, and tomorrow we will be doing vistas plus B section plus A section along with tips and tricks and one sample paper with you. Come at 12:30, try to share this particular video with your friends and try to be with us. Thank you so much for watching patiently. Bright Tutee, India ka most comprehensive, student-friendly aur result-oriented digital learning platform hai. Aaj hi Bright Tutee app Google Play Store se download karein aur paaye competent aur experienced teachers aur subject experts dwara taiyar kiya gaya comprehensive digital learning course. Bright Tutee par vibhinn boards ke syllabus, textbook aur board dwara diye gaye examination guideline par aadharit class 9th aur 10th ke courses 3 mediums mein available hain. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज हिंदी भाषा में,
तथा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज इंग्लिश भाषा तथा इंग्लिश हिंदी मिक्स भाषा में अवेलेबल है। ब्राइट ट्यूटी पर मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ब्राइट ट्यूटी के कोर्स 3 स्टेप्स अप्रोच फॉलो करते हैं, जिसमें लर्निंग, असेसमेंट और एग्जाम प्रिपरेशन शामिल है। लर्निंग में कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, जो आपको किसी भी टॉपिक को आसानी से समझने में मदद करता है। प्रत्येक वीडियो लेसन्स में हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ टेक्स्ट बुक में दिए गए एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को डिटेल से समझाया है। असेसमेंट में टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट MCQs के फॉर्मेट में दिया गया है, जिससे आप टॉपिक की समझ का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस असाइनमेंट्स भी अनसॉल्व फॉर्मेट और सॉल्व फॉर्मेट में अवेलेबल है। अनसॉल्व फॉर्मेट आपके प्रैक्टिस के लिए और सॉल्व फॉर्मेट आपको ये बताने के लिए है कि सही उत्तर कैसे लिखें। असाइनमेंट में बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अनुसार प्रश्नों को शामिल किया गया है। टॉपिक वाइज असाइनमेंट के साथ साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक भी उत्तर सहित उपलब्ध है। एग्जाम प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर्स सभी अनसॉल्व्ड और सॉल्व फॉर्मेट में उपलब्ध है। ब्राइट ट्यूटी के पैकेज 3 ऑप्शंस में अवेलेबल है, एनुअल पैकेज, ड्यूरेशन वाइज पैकेज और कस्टमाइज्ड पैकेज। एनुअल पैकेज में किसी भी सब्जेक्ट के पैकेज एक एकेडमिक ईयर के लिए ले सकते हैं। ड्यूरेशन वाइज पैकेज में किसी भी कोर्स को 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 1 वीक या 1 डे के लिए ले सकते हैं। कस्टमाइज पैकेज में आप अपने कोर्स को कस्टमाइज कर सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स ले सकते हैं। आज ही ब्राइट ट्यूटी पर साइन अप करें और आकर्षक डिस्काउंट पर अपने पसंद के कोर्स को प्राप्त करें। Offers are available only for limited time.